चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमने कल आपके साथ ना गॉर्डन मॉडल का फॉर्मूला लिख दिया था, बट उसको समझाया नहीं था। तो आज हम उसे समझा देते हैं और एक आधा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा देते हैं, ताकि जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। और वो फॉर्मूला आपके बुक से भी है और बुक से क्वेश्चन भी है, तो वैसे भी आप कर सकेंगे। तो देखिए कैसे होता है गॉर्डन मॉडल, क्या होता है। दूसरा नाम भी बताया था मैंने इसका, ग्रोथ मॉडल होता है। रिलीवेंट स्कूल ऑफ थॉट है। डिविडेंड ऑब्वियसली अफेक्ट करता है मार्केट प्राइस को। इसके साथ साथ ऑब्वियस है, डिविडेंड जो है वो कहीं ना कहीं कैपिटल अप्रिसिएशन का पार्ट नहीं है, पर ग्रोथ का पार्ट है। तो कहता है शेयर होल्डर ग्रोथ चाहते हैं कॉन्स्टेंट, कैपिटल अप्रिसिएशन उनको समझ नहीं आती, कहता। तो नेचुरल सी बात है, अजम्पशंस मैंने आपके साथ डिस्कस की थी, अजम्पशंस की थी भी डिस्कस कि फर्म इन्फिनिटिव लाइफ होती है, कॉन्स्टेंट के ही रहता है, और इसके साथ साथ ग्रोथ क्या होती है वो बीआर के इक्वल होती है। बताइए कराया था ये चीज सब, बताइए। हाँ जी बोलो भाई, आंसर करो। जी अच्छा इसमें P0 की वैल्यू कैसे निकालते हैं? उसमें तो P0 निकाला था, ऑब्वियस है, करंट मार्केट प्राइस। इसमें कैसे निकालते हैं? फॉर एग्जाम्पल, मैं 1/4/2021 को P0 की वैल्यू निकालना चाहता हूँ। आकृति डिविडेंड कब पे करूंगा? 31 मार्च 2021 को। और उसके बाद डिविडेंड कब पे करूंगा? 31 मार्च 2022 को। यहाँ जो डिविडेंड पे करूंगा वो D1 कहलाएगा, यहाँ जो डिविडेंड होगा अभी सोचा हुआ होगा वो D0 होगा। बताइए, अब जैसे जैसे डिविडेंड देना है एक कांस्टेंट ग्रोथ के साथ आरंभ, तो यहां जो डिविडेंड सोचा हुआ है और यहां जो देना है, तो बताइए इसको क्या मैं बोलूंगा? D01+G=D1, यस और नो? यही होता था ना कि जब हम सोच लेते थे कि 10% ग्रोथ देनी है, तो नेचुरल सी बात है कि यही करते थे ना। करंट ईयर डिविडेंड याद हो, कॉस्ट ऑफ इक्विटी में किया था, करंट ईयर डिविडेंड 100 रुपए था, या प्रीवियस ईयर डिविडेंड 100 रुपए था, पर अगले साल हमें डिविडेंड देना है, तो नेक्स्ट ईयर के लिए 1+G ऐड कर देते थे। याद आया सभी को? हाँ जी बोलो, याद आ गया। हाँ जी सर, और अगर मैं यहाँ से कंपेयर करूँ इसको, तो बताइए D01+G की पावर 2 कर दूंगा, क्योंकि ऑब्वियस है ग्रोथ को मल्टीप्लाई होती जाएगी। पहले 1+10% था, अब अगले साल और 10% बढ़ाना है, तो 1+10 का स्क्वायर कर दूंगा। यस और नो बताओ भी। सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ 100 दे रहा हूँ, तो यहाँ 100 में 10% ग्रोथ देनी है, तो 1+G किया 10%, 0.01, तो कितना आ गया? 110। यहाँ 100 में 1.10 की स्क्वेयर कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा बताइए? 121। और अगर इससे भी आगे कोई लाइन है, 31 मार्च 2023 है, तो बताइए, या 24 है, जो भी है, यहाँ 22 था, या 23 था, या 24 है, बताइए। तो यहाँ क्या करूँगा? D01+G की पावर 3 कर दूंगा। हाँ जी अरम जी, यही करूँगा, बोलो भी आकृति, यही करूँगा। वो उसी हिसाब से मल्टीपल होता जाएगा ग्रोथ के। ये 133 रुपये 10 पैसे हो गए। तो कहता है जब आपको कांस्टेंट डिविडेंड देना ही है, और आपको ये भी बताया कि आपको ग्रोथ देनी है, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैसे चेक करेंगे? क्योंकि हमें तो ऑब्वियस है मार्केट प्राइस किस पे निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सट्रीम डिविडेंड ग्रोथ पे। हमेशा याद रखना, हम प्रेजेंट वैल्यू का ही फोकस क्यों करते हैं आकृति? हम प्रेजेंट वैल्यू पे फोकस क्यों करेंगे? क्योंकि जो बंदा खरीदने जाएगा ना, वो ये चीज सोचेगा कि ठीक है, वो पैसा वहां आने वाला है ना, उसकी आज की मार्केट वैल्यू तो देखनी है ना। अगर आज की मार्केट वैल्यू कितनी बन सकती है, तो नेचुरल सी बात है मैं इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूँ। हाँ, उतने तो वो बन ही जाएगा, नेचुरल सी बात है। आप खुद सोचो, मैथमेटिक कैलकुलेशन सोचो। मुझे लगता है कि मुझे 100 रुपये हर साल मान लो मिल सकते हैं, और 10 रुपये हर साल बढ़ेंगे भी, ग्रोथ भी आएगी। बट तो नेचुरल सी बात है, मैं उसको देखूँ ना, आज 100 रुपये, अगले 110, अगले 121, उसके बाद 133, तो वो आज की डेट में कितने की वैल्यू रखते हैं। तो जितने भी इनफिनाइट नंबर ऑफ टाइम्स तक वो मेरे को पता है कि आ सकता है डिविडेंड, या नंबर ही नहीं पता, तो उसकी अगर आज की वैल्यू कन्वर्ट कर लूंगा, वही मेरा करंट प्राइस होगा। तो कहता है वही यहाँ पर किया हुआ है, बस वहां कैपिटल अप्रिसिएशन को देखते थे, यहाँ ग्रोथ फिक्स है, तो जी आपके पास फिक्स है, तो उस सारे डिविडेंड्स का आज का वैल्यू देख लेना, वही क्या कहलाता है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सट्रीम डिविडेंड ग्रोथ।
क्योंकि उसी को से एक मार्केट प्राइस बनता है। बच्चा मुझे एक बात का आंसर दे, फॉर एग्जाम्पल तू एक इन्वेस्टमेंट में 2 करोड़ रुपए डाल रही है और तुझे पता है कि उसका रेंट फॉर एग्जाम्पल 2 लाख रुपए आता है, तुझे आज का रेंट दिख रहा है ना, अगले साल का भी तुझे पता ही होगा कि 5-7% बढ़ेगा, उससे अगले साल भी 5-7 बढ़ेगा। तो अरम कहीं ना कहीं इसी पॉइंट ऑफ व्यू को सोच के हम उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं ना कि चलो भी बढ़ता तो रहेगा, जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता रहेगा वैसे वैसे वो भी बढ़ता रहेगा, बट अगर वो कॉन्स्टेंट हो तो कोई हाथ लगाएगा? मुझे इस बात का आंसर देना। तो लोग कहेंगे ना भैया नहीं लगाना, क्योंकि आज तो 2 लाख मिल रहे हैं, कल 2 लाख से नीचे उतर जाएंगे वो पैसे। क्यों उतर जाएंगे? क्योंकि उसकी प्रेजेंट वैल्यू कम हो जाएगी और वो तो कांस्टेंट ही है। अगर बढ़ने का स्कोप होता है तभी तो वो बड़ा लोग उसमें इन्वेस्टमेंट डालते हैं ना, लोगों को लगता होता है कि उसमें जो आज की वैल्यू है वही अगले साल की वैल्यू भी रहेगी, क्योंकि इतना इन्फ्लेशन आ जाएगा, उसके बाद उसके अगले साल की भी रहेगी उतना ही इन्फ्लेशन आ जाएगा, तो हमें कोई दिक्कत नहीं, इतनी वैल्यू हमारे लिए सफिशियंट है, इतना परसेंटेज हमारे लिए बनता है इसलिए सफिशियंट है। बट अगर वो वैल्यू उतनी ही गिरती चली जाए तो लोग लगाएंगे? बताओ भी अरब, लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? बता, नहीं लगाएंगे। नहीं लगाएंगे। यही चीज समझने वाली है कृति जी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक सिंपल सी बात का आंसर देता हूँ, प्रॉपर्टी में रेंट कम आता है, मतलब कम होता है रेंट, इतना ज्यादा नहीं होता, बट लोग एफडी से ज्यादा फिर भी प्रॉपर्टी में लगाते हैं। एफडी में क्यों नहीं लगाते? क्योंकि एफडी में मतलब लोगों को पता है कि मान लो 5% में एफडी कराई, 1 करोड़ की एफडी करा दी तो कितना आया आकृति? 5 लाख। जी सर, अगले साल फिर वो दोबारा से 1 साल की कराई तो 5 लाख फिर रहेगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता जा रहा है। गवर्नमेंट उल्टा 5 से नीचे अगले साल 4.5 ला सकती है, 4.5 ला सकती है, 5.25 तो लगती नहीं, बढ़ाती तो है ही नहीं। बट अब रेंट में क्या है, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ले ली, मान लो उसका रेंट साल का बना 5 लाख, अगले साल वो 5 लाख वाला अगर खाली करके जाता है, नहीं भी जाता तो 5% तो बढ़ाएगा, तो कितना हो जाएगा? 5.25 लाख तो हो जाएगा, ये सुनो, साल का किराया, बताओ भी। जी और उससे अगले साल अगर वो और 5% बढ़ाएगा तो 5.5 लाख हो जाएगा, उससे अगले साल फिर दोबारा से बढ़ाएगा तो 5.25 लाख हो जाएगा। 5-7 साल में यही 5 लाख कितना हुआ होगा? आराम 7-8 लाख 9 लाख हुआ होगा कि नहीं हुआ? तब उसकी रिटर्न 7-8-9% बन गई या नहीं बन गई 1 करोड़ में? बताओ भी, बन गई कि नहीं बन गई, बताइए, यस और नो? और जो इन्फ्लेशन बढ़ा होगा तुम कहोगे सर 5 लाख आज वैल्यू रखते हैं, अगले साल जो 5.25 रखते हैं वही वैल्यू। हाँ मानते हैं, बट कम से कम एटलीस्ट इन्फ्लेशन फैक्टर को कम्पीट तो कर दिया उसने, कम से कम 5 लाख अगले साल 5.25 आएंगे, उतने ही चलो 5 की वैल्यू होगी, चलो उतना इन्फ्लेशन बढ़ा होगा, चलो भी ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। बट जो बैंक में हर साल 5 आएंगे एफडी के तौर पर, वो तो नुकसान ये करेगा कि वो अगले साल 5 ही आएंगे बट मार्केट में 5 में कुछ आता नहीं होगा। हाँ जी, अब समझ पा रहे हो मेरी बात को कि कैसे कंपेयर किया जाता है? तो शेयर में भी कंपेयर किया जाता है कि डिविडेंड जो ग्रोथ के साथ आ रहा है उसकी आज की मार्केट वैल्यू देख ली जाती है, कि प्रेजेंट वैल्यू देख लिया जाता है कि भाई वो कितने की वैल्यू रखता है, उतना मार्केट प्राइस बन जाता है, उतने पे लोगों की खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं, सिंपल सी बात है। हाँ जी, अब समझ में आ रहा है बच्चों? बोलो भाई। हाँ भी आराम, क्योंकि उतने ही पैसे देने के लिए लोग तैयार होंगे या उससे फालतू दे देंगे? कितनी देर सट्टा चलता है? ज्यादा देर नहीं चलता बच्चों, इनफाइनाइट स्ट्रीम ऑफ डिविडेंड ग्रोथ। तो कहता है उस हिसाब से वो पैसा देने के लिए तैयार हो जाते हैं, वो यही चीज चेक करते हैं कि कितना डिविडेंड ग्रोथ आ सकता है, कितने साल आ सकता है। मान लीजिए 100 साल तक चलती रहेगी ये कंपनी, उनका डिविडेंड ग्रोथ 100 साल का दिख रहा है या 50 साल का दिख रहा है, तो नेचुरल सी बात है उनकी मार्केट वैल्यू और अप होती चली जाती है। तो कहता है अगर मान लीजिए आज की फ्यूचर वैल्यू हमें पता है, आज की निकालनी है, प्रेजेंट वैल्यू नहीं पता, 1+R उसकी पावर n, वही फॉर्मूला लगता है जैसे हम लगाते थे। तो p का फॉर्मूला क्या होता था? f बाय में 1+R उसकी पावर n। तो यहाँ भी कहता है वही होगा, p का फॉर्मूला क्या होगा? पी जीरो का d, यहाँ r को 1+K रखा हुआ है, d1 सॉरी, डिविडेंड आएगा ना अगले साल का, पर यहाँ मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा साथ में? 1+ क्यों जी आकृति जी? ग्रोथ बढ़ती जाएगी, डिविडेंड बढ़ता जाएगा और कॉस्ट भी उसकी ऑब्वियस है। 1+K का मतलब क्या है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी से डिवाइड करते जा रहे हैं। हाँ जी अरम जी, समझ में आ रही है? उसकी प्रेजेंट वैल्यू जानने के लिए एक तरफ से वो 100 110 हो रहे हैं, एक तरफ से 121 हो रहे हैं, बट उसकी प्रेजेंट वैल्यू जानने के लिए जितनी भी कॉस्ट ऑफ इक्विटी होगी उससे डिवाइड करते जा रहे हैं, वो आज की प्रेजेंट वैल्यू निकलती जाएगी। बताओ भी आरम जी, क्लियर हुआ? बताओ भी आकृति जी। 1+K की पावर 4 हाँ जी, हाँ जी, यस, बोलो भी आकृति जी, क्लियर हुआ? चले बच्चों, कहता अब इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करने के लिए इसको फर्स्ट नंबर इक्वेशन बना लेते हैं।
अब समझ में आया गॉर्डन्स मॉडल क्या है? गॉर्डन्स मॉडल कहता है डिविडेंड के साथ जो ग्रोथ आ रहा है बस उसको मैंने आज की प्रेजेंट वैल्यू पे कंपेयर कर लेना, वहां कैपिटल अप्रिसिएशन को देखा जाता था। वो कहता था कैपिटल अप्रिसिएशन जितनी हुई है उसका मुझे बताइए। यहाँ पर ये कहता है कि भाई ठीक है भाई सीधी सी बात है कैपिटल अप्रिसिएशन नहीं, ग्रोथ को फिक्स रखिए तो ग्रोथ के हिसाब से फॉर्मूला बना लिया। कहता मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 1 + g, 1 + k। कहता अब इसके लिए एक और इक्वेशन बन जाएगी, दो साइड से मल्टीप्लाई करो, p0 1 + g 1 + k। अब इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, 1 + c 1 + d1 k का स्क्वायर। ऐसे ही 100 चलता चलता चला जाएगा। बताइए ये सुनो। हाँ जी बोलो जी। अब अरम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे बताइए। दिस से दिस आकृति कैंसिल, क्या बच गया? पी नॉट बताइए -p0 1 + g 1 + k इज इक्वल टू d1/(1+k) यस और नो बच्चों? एलसीएम ले ले 1+k। यस और नो बोलो बच्चों, समझ में आ रहा है? ये एक तरीका और था, इसकी जगह ये भी कर सकते हो, उससे जल्दी हो जाएगा। ये एलसीएम लेके फिर मुझे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मारने पड़ेंगे। p0 कॉमन ले लो, 1 - 1+g 1+k ये चलेगा। अब p0 को इधर रख लेता हूँ, बताइए इनटू मैं इस साइड ले आता हूँ, 1/ में इसको इधर लाने के लिए। मल्टीप्लिकेशन में बाय में चला जाएगा ना? चला जाएगा आकृति जी, चला जाएगा। ये सॉल्व करवा लेंगे ना, 1+k से 1+k कटवा देंगे। बताओ भाई जी सर। इनटू नीचे एलसीएम ले लो 1+k। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये रिवर्स आके क्या होगा, इसको सॉल्व कर लो कितना आएगा बताइए। k - g आ जाएगा शायद, आई थिंक यही इसका फॉर्मूला होता है बच्चों, यही लिखवाया था कल। एक और भी लिखवा दिया था, अब इसको और सॉल्व कर लो। d1 को क्या कह सकते हैं, d0 1+g k - g, जैसे मर्जी लिख लो एक ही बात है। और एक और लिखवाया था मैंने, k को क्या कह सकता हूँ, g को क्या कह सकता हूँ भैया बताइए। हाँ जी आराम जी, क्लियर है, फॉर्मूला बन गया बताइए। गॉर्डन्स मॉडल बिल्कुल सिंपल है बच्चों, गॉर्डन्स मॉडल तो कहता है अगर ग्रोइंग फॉर्म है जिसको पैसा अभी चाहिए तो वो क्या करेगी, अगर आर ज्यादा है किससे कुटी से तो एमपी विल बी
मैक्सिमम वेयर, कहाँ पे मैक्सिमम होगा? जहाँ रिटेंशन मैक्सिमम होगा, वेयर रिटेंशन इज मैक्सिमम। और मेच्योर्ड फॉर्म है बच्चों, बताइए तो क्या होगा? आर इज, यहाँ मेच्योर्ड की जगह डिक्लाइनिंग लिख लो, मेच्योर अलग से लिखवा दो, डिक्लाइनिंग है। आर कम है किससे? कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, तो एमपी विल बी मैक्सिमम जहां रिटेंशन मिनिमम होगा। रिटेंशन कम से कम करो जब आपके पास आर छोटा आ रहा है। मैंने कल भी बताया था सेंटीमेंट्स का गेम है ये, क्योंकि आपको कॉस्ट ज्यादा पड़ रही है, आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दो। आप क्या डिस्ट्रीब्यूट कर दो? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दो। हाँ जी आरम जी, कल बताया था ना। बस अब बताओ, बोलो। अब इसका क्वेश्चन दिखाते हैं, एक जैसा कल क्वेश्चन दिया था वैसे ही करा देता हूँ। अच्छा ये फिर मोटी लानी शुरू करेंगे। आप इस चैप्टर को ना पहले बुक से करना बच्चों, बुक में ज्यादा इजी दिया हुआ है, मतलब आईसीआई के मॉड्यूल में। देन आप उठाना अपनी बुक, उसमें 10-12 क्वेश्चन है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बना देंगे, और उतने ही मॉडल करने हैं, क्योंकि ये सारा फाइनल से उठा के नहीं करना। जितना क्वेश्चन अभी तक पूछे जा रहे हैं उसी को आप कहीं ना कहीं यूज कीजिए। हाँ करा सारे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर पहले बेस तो बनना चाहिए ना। हाँ जी आ गया। स्क्रीन शेयर हो रहा है? जी सर। अच्छा आप देखो, मैंने कुछ चीज दिखाने के लिए ये बुक खोली है। देखो मैंने क्या कहा था बच्चों, आरम जी मैंने क्या कहा था कि हमारी बुक में क्या दिखाए हुए हैं? सिर्फ मॉडल्स दिख रहे हैं बच्चों, दिख रहे हैं? मैंने क्या कहा था, दो ही थ्योरीज ऑफ स्कूल्स ऑफ थॉट दिए हुए, एक इरेलीवेंस एक रेलीवेंस। इसमें एक एमएम बता रखी है और उसमें वाल्टर्स मॉडल और गॉर्डन मॉडल दिए हुए, पर नीचे दिखाता हूँ लिंटर और ट्रेडिशनल भी दे रखा है। दिख गया बच्चों? हाँ जी मिल गया, आंसर करो यार साथ साथ। देखो आ जाओ, अब मैं 3 प्रैक्टिकल इसके कराने के लिए इसी बुक को जान के लेके आया हूँ। अभी मोडगिलानी मिलर मैंने को बतानी है, रुक जाओ इस पे। तो अच्छा ये अब वॉल्टर्स मॉडल, वॉल्टर्स मॉडल ये फॉर्मूला था बच्चों, हमने कर लिया ये फॉर्मूला, इसका क्वेश्चन भी कर लिया कल हमने, अच्छे वाला काफी अच्छा क्वेश्चन था। ये भी समझ लिया था जब आर ज्यादा हो तो डिविडेंड कितना देना चाहिए, और कम होना चाहिए तो ये कितना देना चाहिए, डिक्लाइनिंग वॉल्टर्स मॉडल में। कल हमने निकाल के मार्केट प्राइस भी देख लिया था और पे आउट रेशियोज पे भी निकाल लिया था। बताइए इसके दोनों क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं, बहुत इजीली। अब आ जाओ, अच्छा ये गॉर्डन्स मॉडल, बताइए हमने क्या रखा है यहाँ पर? इन्होंने अर्निंग पर शेयर 1 माइनस बी, बी क्या है? ऑब्वियस है बच्चों, क्या है? रिटेंशन रेशियो है, तो फिर इसका मतलब रिटेंशन को अर्निंग में से माइनस करेंगे तो क्या फॉर्मूला बनेगा बच्चों? ऑब्वियस है, क्या बनेगा? डिविडेंड ही बनेगा। हाँ जी आराम जी, देखो मिल गया या नहीं बन गया? और कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस बीआर वो तो हम भी ले रहे हैं, तो अगर मैं इसको ये लिख दूं तो मुझे बताना क्या गलत लिख रहा हूं। बताओ भी क्या गलत लिख रहा हूं? हाँ जी नो सर। अच्छा इसी के क्वेश्चन, अब देखो अब इसमें आपके पास 3 तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है। पहले तो एक सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है गॉर्डन्स का, फिर 3 तरह से और क्वेश्चन दिया हुआ है, इसलिए ये करा रहा हूँ। पढ़िए क्वेश्चन, पढ़िए पहले।
अच्छा ये क्वेश्चन पढ़िए, कहता है आउटस्टैंडिंग प्रेफरेंस शेयर्स है, आपके पास नेट प्रॉफिट है 30 लाख का, आउटस्टैंडिंग प्रेफरेंस शेयर्स है 100 लाख के, जिस पर 12% आपको डिविडेंड देना है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आपके 3 लाख के, आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 20% के ही है, आपका कितने परसेंट, 16%। क्वेश्चन पढ़ लिया सबने अच्छी तरह से, बोलो अब क्या बोला हुआ है। अर्न तीन जगह सिचुएशंस में बनाना है, एक बार डिविडेंड पे आउट 25% होना चाहिए, एक बार डिविडेंड पे आउट 50% होना चाहिए, एक बार डिविडेंड 100 रुपीज होना चाहिए। पहले तो आप अर्निंग को कंपेयर करोगे, देखो कैसे, कहते हैं नेट प्रॉफिट मेरा 30 है, प्रेफरेंस में दे दूंगा 18 बचेगा, तो बताइए टैक्सेशन कहाँ नहीं, तो बताइए नेट प्रॉफिट मेरा 30 है, प्रेफरेंस का 12% दे दिया, तो मेरा पास बचा कितना, 18। अब इसमें से 18 में से देखा जाए तो एक तरीका तो ये है कि आप 18 लाख को ही यूज करो, बट इन्होंने 18 लाख को यूज नहीं किया हुआ, कोई भी नहीं करेगा बच्चों, पर शेयर पे चलेंगे तो क्या दिक्कत है, क्योंकि हम डिवाइड कर लेते हैं नंबर ऑफ शेयर से, इससे हमारे को आसानी होगी। शेयर्स कितने दे रखे हैं बच्चों, 3 लाख, तो 18 लाख को जो मैंने 3 लाख से आकृति डिवाइड किया कितना आ गया, 6। अब 6 को 3 बार चलना है, एक बार 25% पे आउट रेशो पे, एक बार 50%, एक बार 100% पे आउट रेशो पे। अगर 25% पे चलूंगा तो डिविडेंड कितना दूंगा, 1.5, अगर 50% पे चलूंगा तो डिविडेंड कितना दूंगा, 3%, और 100% दूंगा तो डिविडेंड कितना होगा, ऑब्वियस है कितना होगा बच्चों, 100%, 6 रुपीज। बताइए, हाँ जी आरम जी समझ में आ रहा है यहाँ तक, बताओ भी यहाँ तक कोई दिक्कत। और ये इसी साल की करंट ईयर की बात कर रहा है, देखो यहाँ पर इससे अगले साल की बात नहीं कर रहा, ये एनुअल रिपोर्ट है, आपको उसी साल डिविडेंड देना। तो क्या आकृति जी जो हमने ये फॉर्मूला किया है ये किसके लिए किया है, किसके लिए किया बच्चों, तब किया है ऑब्वियस है, जब ऑब्वियस है नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड देना, बट अगर करंट ईयर का ही देना है तो फॉर्मूला ये बन जाएगा या नहीं बन जाएगा बच्चों, या नहीं बन जाएगा, जरूरी तो नहीं है ग्रोथ ऐड करनी है, बताया हुआ ये चीज अरम बताई हुई है ना, कॉस्ट ऑफ इक्विटी में पड़ा था। तो अब इस केस में सिंपल के ही चाहिए, और क्या चाहिए, के ही, के ही कितना है ऑब्वियस, आप देखो आर कितना है आपके पास, 20, के ही कितना है, 16, तो ऑब्वियस आपको आकृति चाहिए क्या, के ही 16 सब जगह चल गया, यहां तक कोई दिक्कत बच्चों। बी इंटू आर, बी कितना है, रिटेंशन कितनी है, देखो अगर आप 25% डिविडेंड पे कर रहे हो तो आपकी रिटेंशन कितनी हुई, हाँ जी आकृति जी आप निकालोगे 75.75, किससे मल्टीप्लाई करोगे, आर से, 20 से, कितना आएगा बताइए, 0.15 निकाल लीजिए मार्केट प्राइस। अब आपके पास 50% है तो 0.50 इंटू आर 20% कितना आ गया, 0.1। अब अगर 100% ही पे कर रहे हो तो नेचुरल सी बात है कुछ आएगा ही नहीं, फिर तो जीरो से मल्टीप्लाई होगी, तो नेचुरल सी बात है। बताइए जब आप क्वेश्चन में आपको सारे साफ साफ दिख रहा है कि आर क्या है, ग्रेटर है किससे, इक्विटी से, तो जितना रिटेंशन रख सकते हो रख लो, अगर 25% डिविडेंड दिया था तो ऑब्वियस प्राइस कितना आता था, 150, 50% देने लगे तो प्राइस कितना आ गया, 50 रुपीज, और जैसे ही ऑब्वियस ज्यादा देने लगे तो प्राइस और कम हो गया। बताइए अब इस मॉडल में कोई दिक्कत गॉर्डन्स मॉडल में, मेरे ख्याल से ये बिल्कुल अच्छी तरह से आप समझ में आ गया होगा गॉर्डन्स मॉडल, बताओ भी अच्छी तरह से, आरम बोलो भी, इसीलिए इस बुक को उठा के लाया हूँ मैं, ये बहुत सही बुक है, सारे क्वेश्चंस करोगे इसके फिर उसके बाद उसमें आओगे तब बेस बन जाएगा, नहीं तो उसमें सीधे क्वेश्चन दिए मैं पजल हो जाओगे। अब आ जाओ, अब कहते हैं गॉर्डन्स ने तीन तरह से आपको आपको बताया, अब ये देखो, अब जो मैंने कराया फॉर्मूला वो ये कराया, कहता गॉर्डन्स ने आपने रिवाइज की थी थ्योरी, कहता रिवाइज किया था मॉडल, कहता उसने कहा कंसिडर किया रिस्क को भी अनसर्टेनिटी ऑफ दिस मॉडल, तो कहते हैं दो आर्ग्यूमेंट से, इन्वेस्टर कहता है ऑब्वियस है, कहता है अवर्स होता है, कहता है पुट इन द सर्टेन रिटर्न्स एंड डिस्काउंट ऑन अनसर्टेन रिटर्न्स, तो कहता है वो डिस्काउंट और ग्रोथ को लेके चलता है साथ में, तो कहता है हमने डिस्काउंट के साथ ग्रोथ के साथ ले, तो कहता है जब रिलेशनशिप डिविडेंड एंड शेयर प्राइस का अगर गॉर्डन्स मॉडल में मार्केट प्राइस को शो करना है तो कहता है आपको एक्स डिविडेंड दिया होगा तो उस पे आपको अगर मार्केट प्राइस निकालना है तो आपको क्या करना होगा, 1+ ग्रोथ ऐड करनी होगी, 1+ ग्रोथ क्या करनी होगी, ऐड करनी होगी। अब कहता है डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, अब ये देखो जो चीज मैंने सॉल्व करके दिखा रखी है यहां तक आना, अब इसने तीन मॉडल्स को तैयार किया डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, एक जिसमें ग्रोथ जीरो है, एक जिसमें कांस्टेंट है, एक जिसमें वेरिएबल है, आपको घबराना नहीं है जिसमें ग्रोथ जीरो है, कांस्टेंट है, वेरिएबल है, मैं आपको तीनों चीजें लिख के दिखाता हूं, आप अपने आप समझ जाएंगे, ध्यान से देखना, पी जीरो डिविडेंड जीरो ग्रोथ जीरो है,
आर कुछ भी होगा, ग्रोथ की जगह मैं जीरो डाल देता हूँ। आराम फॉर्मूला बना, आकृति फॉर्मूला बनाओ। क्या यही फॉर्मूला बन के आएगा जब ग्रोथ जीरो है? कुछ कराने वाली बात, इसीलिए मैंने कराया है क्योंकि बुक में कई बार दिखा रखा होता है डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, तो आप कजल होगे कि जीरो ग्रोथ है तो सर हमने तो, आपने तो बताया ही नहीं गॉर्डन में नई चीज दी हुई थी। कुछ नहीं है नई चीज, जस्ट गॉर्डन ने फॉर्मूला वही यूज किया, तीन तरह से उसको एवेल्युएट करके आपको दिखा दिया। हाँ जी अरम जी, यहाँ तक क्लियर? हाँ जी सर। हमने जो ग्रोथ वाला पढ़ा था, आ जाओ इस पे आ जाओ। मैं दिखाता हूँ अभी, क्या यही पढ़ा था? बताइए, यही पढ़ा था। और इस ग्रोथ को मैं बीआर भी लिख दूंगा तब भी कोई दिक्कत, यही पढ़ा था। आकृति आरएम जी, यही पढ़ा था। देखो अब आ जाओ तीसरे वाला, कहता वेरिएबल ग्रोथ है, वेरिएबल ग्रोथ में कहता फॉर्मूला नहीं लगेगा, कैसे? अब तीनों क्वेश्चंस कराता हूँ, तीनों में समझ जाओगे कि किया क्या हुआ गॉर्डन्स ने। आप कहोगे सर समझ आ गया कि गॉर्डन्स ने क्या किया। पढ़िए क्वेश्चन से, पढ़ते हैं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, क्वेश्चन से पढ़ते हैं। पढ़िए, कहता है कंपनी हैज नो ग्रोथ, 5 रुपीज देती है कंपनी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10%। सीधी सी बात है, डिविडेंड ऊपर आ गया, कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ गई, सीधा डिवाइड कीजिए, ग्रोथ है ही नहीं, बात खत्म, रिटेंशन तो होगा ही नहीं, 50 रुपीज प्राइस आ गया। चलिए नेक्स्ट, कहता है कंपनी एक्स वाई जेड है, 10 लाख है 10 ईच की, डिस्ट्रीब्यूट करती है डिविडेंड 20%, 10 का 20% कितना आएगा पहले तो ये समझ लो, 2 रुपए। एनुअल ग्रोथ है 2%, 2% ग्रोथ चाहिए, रेट ऑफ रिटर्न है इक्विटी का 15%। ऑब्वियस चलो जी ठीक है, गॉर्डन्स मॉडल शो कीजिए। तो कहता है ठीक है हमें क्या दिक्कत है, 2 रुपए, ग्रोथ कितनी है 1.02, बताइए कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी है 0.15, बताइए। अब यहाँ पर अप्लाइंग गॉर्डन्स का मॉडल आपको करना है। अब ग्रोथ कितनी बता रखी है, 2% ही बता रखी है, तो हमें बी आर तो करने की जरूरत ही नहीं है। अरे हम बी आर तो वहां करते थे ना, रिटेंशन रेशियो जहाँ दे रखी होती थी और ग्रोथ नहीं बता रखी होती थी, यहाँ तो करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ तो सीधी ग्रोथ बता दी। हाँ जी आकृति, यहाँ तो सीधी ग्रोथ बता दी, जरूरत ही नहीं है ग्रोथ को रखो सीधी, डिविडेंड पे आउट रेशियो या रिटेंशन देखने की तो जरूरत वहां पड़ती थी ना बी इंटू आर करने के लिए, यहाँ तो जरूरत नहीं पड़ेगी जब आर ही दिया हुआ है, ग्रोथ ही दी हुई है, जब ये इसके इक्वल है ग्रोथ, तो हमें सोचने की जरूरत है आरम जी, आकृति जी तो रखो बस सीधा, बस आपका आंसर आता है 50, बस उसी फॉर्मूला में पुट किया हो, तो आपको अलग से फॉर्मूला नहीं यूज करना कि ग्रोथ है तो उसका फॉर्मूला अलग है, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल में ग्रोथ नहीं है तो, आपको ये समझ लेना ग्रोथ नहीं है तो जीरो हो जाएगा, सीधी बात है ग्रोथ है तो अलग थिंग। वेरिएबल देखो, कहता है वेरिएबल में क्या होता है, जब अलग अलग ग्रोथ हर साल की आती है तो सीधी सी बात है वेरिएबल बन जाती है, तो हम भी बदल जाएंगे, हर साल का निकालना शुरू करते हैं, कहता हमारे पास फॉर्मूला थोड़ी कोई नहीं है। कहता मल्टी स्टेज ग्रोथ है तो हम भी मल्टी स्टेज बन जाएंगे, देखो कैसे, एक पर्सन को कहता है डिविडेंड देते हैं 2 रुपए, द ग्रोथ ऑफ द कंपनी इज 5% एंड डिटरमाइन द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, कहता है राइज ग्रोथ होगी 8% या फॉल होगी, 2 स्टेजेस बता दी, इक्विटी रिटर्न 15% ये कहता, तो कहता है जब राइज होगी 8% पे तब भी देख लेते हैं और जब फॉल होगी तब भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको कितनी बता रखी है डिविडेंड, एस्टिमेटेड ग्रोथ ऑफ द डिविडेंड इज 5%, पहले तो 5% पे निकालो, क्या किया 1+g 5% लिया और ऑब्वियस है ग्रोथ से माइनस करके कॉस्ट ऑफ इक्विटी को ले लिया, फिर 8% पे ले लिया। अच्छा जी फिर कहता है क्या किया है, ग्रोथ अब कितनी होगी, कितने परसेंट हो गया, फॉल होके कितनी होगी, 8 से 3% आ गई, तो कहते 3% पे ले लेते हैं, हमें क्या दिक्कत, फॉल टू 3%, बस तीनों का रेट निकाल दिए। बताओ भाई आकृति जी, अब ये कोई नया मॉडल है या एक ही चीज है, तीनों चीजें अब समझ में आ गई, तीनों चीजें। हाँ जी अरम जी, क्या तीनों के लिए कुछ नया पढ़ने की जरूरत है इसके लिए, गॉर्डन अच्छी तरह से समझ में आया बच्चों, इसीलिए मैंने बुक से कराया क्योंकि ये चीज आपको थोड़ी सी यहाँ से क्लियर होगी, बोलो भाई आरम जी। जी सर, और ये फॉर्मूला भी अच्छी तरह से समझ में आ गया गॉर्डन्स का, कि गॉर्डन्स प्राइस भी चलता है बच्चों, ग्रोथ भी चलता है। ये जो क्वेश्चन आया था ये इसलिए आ गया था क्योंकि अभी ग्रोथ की बात नहीं गई गई थी और सेम सिंपल से लास्ट ईयर के डिविडेंड की बात की थी, बट अब जो पेपर में क्वेश्चन देखोगे वो ज्यादातर किसके देखोगे, इसी फॉर्मूले के देखोगे, ये जो फॉर्मूला है ये है इम्पोर्टेंट क्योंकि ग्रोथ के साथ ही दिया होता है ज्यादातर, बिना ग्रोथ के बहुत कम क्वेश्चन दिया होता है कि डिविडेंड लास्ट ईयर का दिया हो करंट ईयर का दिया हो, ज्यादातर लास्ट ईयर का दिया होता है उससे आपको करंट ईयर का निकालना है। बताइए अब क्लियर हुआ गॉर्डन्स मॉडल, क्लियर? वॉल्टर का भी करा दूं एक क्वेश्चन, फिर मोडी ग्लानी करा दूं या वॉल्टर हो जाएगा, कल किया था वैसे वॉल्टर तो, बोलो बच्चों दिखाऊं एक क्वेश्चन इसका वॉल्टर में, इसके आप क्वेश्चन करोगे इसमें तभी आपकी कॉन्फिडेंस बनेगा, आ जाओ वॉल्टर।
पढ़ो आकृति जी, कहता है वही क्वेश्चन आ गए, 30 लाख है मिल गया, बताओ भी। 12 लाख प्रेफरेंस शेयर को दे दिया, 18 रुपए बचे, अर्निंग 6 रुपीज। अब कहता है यूज क्या करना है, कंप्यूट अप्रोप्रिएट डिविडेंड पे आउट रेशियो एज टू की द शेयर प्राइस 42 रखना है वॉल्टर मॉडल में। कहता है प्राइस बता दिया, तो क्या दिक्कत है, हमें प्राइस बता दिया, हमने प्राइस रख लिया। डिविडेंड हमें पता नहीं है, डी नहीं पता, बट हमें ऑब्वियस है कॉस्ट ऑफ इक्विटी पता है, कितने परसेंट पता है बताओ, कितने परसेंट दे रखी है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, 16%। आरबी पता है तो हम फॉर्मूले में पुट करते हैं बस, बताइए 16% क्या करते थे, ई माइनस डी, डी हमें पता नहीं है, ऑब्वियस आरबी पता है, के भी पता है, सामने रख के आपका डी निकल जाए, कितने परसेंट पे आउट रेशियो पे, 52%। बोलो भाई क्लियर है, कर सकते हो वॉल्टर्स मॉडल, कल किया था बहुत अच्छी तरह से वॉल्टर्स मॉडल, बताओ भी बच्चों। जी सर, अरम जी दोनों फॉर्मूले अच्छी तरह से समझ में आए, गॉर्डन्स और वॉर्टन, बच्चे ये तुम्हारी बुक के यही दोनों फॉर्मूले हैं, तभी मैंने स्टार्टिंग कराया, अभी मोड गिलानी मिलर कराऊंगा। चले सेकंड क्वेश्चन से हमने कर लिए कहाँ तक देख लो, या आपने सपने करने हैं तभी मजा आएगा, अदरवाइज नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे और फिर बुक में पहुंचेंगे तो आप पजल हो जाएंगे, क्योंकि आईसीआई को आपको पढ़ के चलना ही होगा इस चैप्टर के लिए, क्योंकि ये फाइनल से चैप्टर उठा के आया बच्चों, हम अगर ज्यादा चले गए तो पेपर में हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। हाँ जी अरम जी, 7 तक पहुंच गए हम और 12 क्वेश्चन है, इससे आपको फिर बेस बनेगा, फिर आप उसमें आना और फिर छोटे छोटे क्वेश्चन सारे हो जाएंगे। अरम चले मोड गिलानी मिलर पे, हाँ जी सर, आप उसको लिखते हैं, उसको समझते हैं, आ जाओ। अब तो समझ आ रहा है चैप्टर, कल तो थोड़ा सा ऑब्वियस अलग सा लगा होगा बच्चों, मैंने इसका कल रास्ता यही ढूंढा, मैंने कहा ये चीज जो मैं आपको जहां से लिखवा रहा हूँ वो दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, फिर आप जाके देख भी सको कि हाँ सर ने यही लिखवाया, तो कई बार कंफ्यूज नहीं हो गया। बताइए एमएम थ्योरी अप्रोच, इसका नाम क्या है, एमएम थ्योरी ऑफ डिविडेंड, मोड गिलानी मिलर थ्योरी ऑफ डिविडेंड। अब ये कहता है इरेलीवेंट स्कूल से आता है, ये कहता है भाई ये तो वैल्यू ऑफ फॉर्म भी नहीं मानता था कि फैक्ट होती है, यही चीज यहाँ पर आके रोना शुरू कर दिया इन्होंने, कहता है डिविडेंड जितना मर्जी दो, कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता मार्केट प्राइस पे। वाल्टर और गॉर्डन ने तो कहा भी फर्क पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता, तुम पागल हो रहे हो, कहता नहीं पड़ता, मैं प्रूफ करके दिखा सकता हूँ, इसने एक ऐसा फॉर्मूला बनाया बच्चों जिसको समझाना इतना आसान नहीं होता हमारे लिए, इसलिए मैंने बाद में रखा था इसको, क्योंकि ये खतरनाक फॉर्मूला है, थोड़ा सा समझ आ जाएगा, बट अगर ना समझ आए तो टेंशन मत लेना, फॉर्मूला याद कर लेना, वैसे समझ आ जाएगा, समझाने की कोशिश पूरी करूंगा, सॉल्व करने की, उसको भी समझा सका, बट इसमें थोड़ा सा अटपटा काम किया इसने। देखो ये कहता है भाई देखो मेरी बात मानो तो इस थ्योरी की ये है, कहता है डिविडेंड का कोई फर्क पड़ता ही नहीं, कहता अच्छा जी मान लेते हैं आपकी बात पे, इरेलीवेंस स्कूल ऑफ थॉट। डिविडेंड विल नॉट इम्पैक्ट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, कहना मार्केट प्राइस को इम्पैक्ट नहीं करता डिविडेंड, मार्केट प्राइस विल डिपेंड ऑन इन्वेस्टमेंट रादर देन डिविडेंड पॉलिसी, कहता है इन्वेस्टमेंट पे फर्क पड़ता है, डिविडेंड पॉलिसी का कोई फर्क नहीं पड़ता, वो है भी सोच भी सकते हैं बच्चों, इंट्राडे ट्रेडिंग करने वाले लोग डिविडेंड देखते हैं या बताओ भी मार्केट प्राइस देखते हैं इन्वेस्टमेंट को, बताओ भी उन्हें समझ आता है डिविडेंड क्या होता है। हाँ जी आकृति जी, इंट्राडे जो डेली खेलते हैं जो शेयर मार्केट में कभी कम ज्यादा पैसे लगाते रहते हैं बैठ के, उनको डिविडेंड समझ आता हो, मुझे इस बात का आंसर देना, कुछ नहीं समझ आता उनको, उनको क्या लेना मार्केट में डिविडेंड आना है नहीं आना, मेच्योर फर्म कौन सी है, ग्रोथ फर्म कौन सी है, कुछ नहीं पता उन्हें, उनको तो इंट्राडे से मतलब है, क्यों अरे सही बोल रहा हूँ ना, बट जो बड़ा इन्वेस्टर है जो मार्केट के अंदर बहुत टाइम से सस्टेन कर रहा है वो फर्क सोचता है या नहीं सोचता, बोलो बच्चों। हाँ जी अरम जी, सोचता है वो हर चीज की वैल्यू लगा के चलता है,
यस वो हर चीज की वैल्यू लगा के चलता है, तो ये वही सोच पे बेके बैठा है। कहता है इन्वेस्टमेंट पे मार्केट प्राइस पे कुछ नहीं फर्क पड़ता, कहता डिविडेंड का दो ना दो जो मर्जी करो कहता। तो कहता चलो जी ठीक है, इसने कुछ अजम्पशंस ली, हमने भी लिखवा देते हैं कुछ अजम्पशंस, अजम्पशंस ऑफ एमएम मॉडल, वही अजम्पशन जैसे इसने उसमें ली थी कैपिटल स्ट्रक्चर में, सेम वही चीजें चल पे आ गए। कहता एमएम हाइपोथेसिस ऑफ इररिलेवेंट थॉट ऑफ स्कूल is based on following assumptions. कहता सबसे पहले तो कहता मार्केट क्या परफेक्ट कैपिटल मार्केट है, यही चीजें जो वहां बोलता था, ये सबको सारी इंफॉर्मेशन है, आप कुछ नहीं छुपा सकते। कहता यहां तो इसने आगे ऐसी बात कह दी जो बिल्कुल ही अलग करती, इसकी बातें हमें भी नहीं समझ में आई इसने एक्चुअली लिखी है यहाँ पर आके। कहते हैं आप कोई भी इन्वेस्टर कोई भी सिक्योरिटी खरीद सकता है, तो बात हम भी मानते हैं, दिस मीन्स दैट द इन्वेस्टर आर फ्री फ्रॉम फ्री टू बाय एंड सेल सिक्योरिटीज। कहता जितनी मर्जी खरीदे जितनी मर्जी बेच सकता है, इन्वेस्टर बिहेव रेशनली, कहता वो आप लोगों की तरह बिहेव नहीं करता जो इतने दिमाग लगा के चले, वो रेशनली बिहेव करता है सिर्फ। कहता नो ट्रांजेक्शन और फ्लोटेशन कॉस्ट, जबकि ऐसा नहीं है बच्चों मार्केट में, क्या मार्केट के अंदर शेयर मार्केट में क्या ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं है? यस है, अरे अगर ट्रांजेक्शन कॉस्ट ना होती ना तो बताओ बच्चों आपके पास मार्केट, सच में कहता हूँ बहुत जल्दी इधर उधर हो जाती। फ्लोटेशन और ट्रांजेक्शन कॉस्ट की वजह से ही कंपनियां बची हुई हैं। सोच के देखो, मान लो जी मैंने इंट्राडे पे लगाए 50,000 रुपये, 1% मेरा मान लीजिए मेरे किसने ले लिया, मान लीजिए मेरे प्रॉक्टर ने ले लिया, तो बताओ मेरे लगे कितने, 49,500 ना, 500 रुपये तो कट गए, बताइए यस और नो। अब मैं 1% की रिटर्न आते क्या बेच दूंगा मैं 49,500 को, जब तक वो 50,500 नहीं हो जाएंगे तब तक तो नहीं बेचूंगा ना, क्योंकि 500 वो भी तो पूरे करने हैं ना जो मैंने इंट्राडे में लगाए हैं, उसके लिए खर्चा लिया ब्रोकर से दिया, पूरे करूंगा ना या नहीं करूंगा? तो इसी वजह से मार्केट टिकती है वो, नहीं तो रोज लोग तो फिर रोज लगाते रहे 1% की वजह से या आधा परसेंट की वजह से ना, वो 365 दिन में 180% बैठता है, बंदा बैठा रहता है चुपचाप 2-3 दिन 4 दिन तो रखता है उस सिक्योरिटी को, जब उससे ऊपर नीचे होती है फिर वो घूमता है। अगर वो फ्लोटेशन कॉस्ट ना हो ना बिल्कुल जीरो हो जाए तो लोग तो सट्टा बाजार को सट्टा बना दे, मतलब ऐसा कर देंगे कि मार्केट में ट्रेडिंग क्या हो जाएगी, बहुत ओपन हो जाएगी। और ये भी कंपनियों को जान के फंसाया हुआ है इन्होंने, गवर्नमेंट ने भी, कि इसको फ्री नहीं करने देती गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन कॉस्ट को, 0.5 पे लग के रखती है, 0.2555 रखती है, गवर्नमेंट को पता होता है आकृति, नहीं तो क्या करेंगे कि ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं होगी तो लोग उठाते रहेंगे दूसरी जगह लगाते रहेंगे दूसरी जगह लगाते रहेंगे, थोड़ा बहुत 100-200-400 के प्रॉफिट पे भी खेलते रहेंगे। अब कम से कम ट्रांजेक्शन कॉस्ट जितनी होती है उतना तो कम से कम रुकते हैं, वहां तक वेट करते हैं शेयर की। तो शेयर अगर 1-2% ही डेली अप डाउन होता है, क्योंकि ये तो है नहीं बड़ी कंपनी के शेयर 50-50% या 10-10% मूव ऑन करते हैं, समझ रहे हो मेरी बात को? तो जब 2-3-4% मूव ऑन हो जाता है तब जाके कोई निकलेगा, कभी 1% बढ़ गया, कभी अगले दिन 1% घट गया, फिर 1% बढ़ गया, फिर वही टका रहता है वो ट्रांजेक्शन कॉस्ट के चक्कर में डर के मारे, भी जब तक ये बैलेंस नहीं आता तब तक मैं इसको निकाल लूंगा नहीं पैसे को, समझ रहे हो मेरी बात को? समझे ट्रांजेक्शन कॉस्ट कहाँ मार्केट को बैलेंस करती है? बच्चों बैलेंस करती है, सेबी ने भी सोच के रखी हुई है, कोई बेवकूफी नहीं की हुई। तो कहता है ये तो कहता है ही नहीं, मार्केट में ही नहीं है ट्रांजेक्शन कॉस्ट, जबकि एक्चुअल में बच्चों है। कहते दे आर वेल इन्फॉर्म्ड, आज की डेट में बच्चों ट्रांजेक्शन कॉस्ट ही बैलेंस करवा दिए कहीं ना कहीं, नहीं तो मार्केट तो पता नहीं क्या कुछ करवा देती। द रिस्क रिटर्न और ऑन ऑल टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी, कहता सब कुछ पता है उसको, no investor is large enough
टू अफेक्ट। द मार्केट प्राइस। और कहता कोई इन्वेस्टर इफेक्ट नहीं कर सकता। लार्ज इनफ टू इफेक्ट द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। और कहता है टैक्सेस भी नहीं है। सेकंड पॉइंट है नो टैक्सेस। टैक्सेस तो ये कोई भी नहीं मान के चला। कहता आइदर देयर आर नो टैक्सेस और देयर इज नो डिफरेंस in the rate of tax applicable to dividend जबकि मैंने आपको बताया था retained earning में क्या बताया था कि dividend और capital gain का game घूमता है। बताया था ना बच्चों आकृति retained earning से फायदा क्या मिलता है मुझे dividend distribution tax बच जाता है या नहीं बच जाता कंपनी में उसकी cost कम हो जाती है retained earning की या नहीं हो जाती कंपनी के लिए। और investor को ये होता है कि मेरा पैसा बचा रहेगा मुझे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। पर्सनल इनकम टैक्स भी बचाता है इन्वेस्टर। कंपनी सोचती है कि पर्सनल इनकम टैक्स इन्वेस्टर बच रहा है तो नेचुरल सी बात है बैठा रहेगा रिटर्न्स ज्यादा आएंगे। यस और नो बताओ भी बताओ। ये बैलेंस भी करवाती है कंपनी ये भी सोच के चलती है। अभी एक्चुअली इस लेवल पे तुम्हें दिया नहीं हुआ ये डिविडेंड पॉलिसी क्या आराम नहीं होगा ये चीज सोच सोच आराम से कि डिविडेंड अगर मेरे को 10 रुपए देना है और फॉर एग्जांपल अर्निंग मेरी 10 रुपए और उसमें डिविडेंड मैंने 5 रुपए दे दिया तो 5 रुपए पे जो जो पर्सन रिसीव करेगा डिविडेंड उसे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा। यस देना पड़ेगा उस डिविडेंड पे उसे टैक्स देना पड़ता है। बट कंपनी बड़ी समझदार है वो क्या कहते हैं इन्वेस्टर बड़ा समझदार होता कहता है रिटेंशन कर लो फिर रिटेंशन करके अब उसको ई कितनी एक्सपेक्टेशन नहीं बनाता फिर वो इसलिए उसको बैलेंस कर जाती है कंपनी वहां पर कुछ पे आउट करती रहती है कुछ उसको बैलेंस करती रहती है। यही एक अच्छा फाइनेंस मैनेजर यहीं पर आके गेम घुमाता है पूरी की पूरी। तो यहाँ पर नहीं दिया हुआ इस लेवल तक आपको सोचने की जरूरत नहीं है। बट कहता है अभी तक हमने जो मॉडल्स पढ़े हैं उसमें नो टैक्सेस ही बट एक्चुअल में जो मार्केट में मॉडल्स चल रहे हैं वो सारे विद टैक्सेस हैं बच्चों क्योंकि टैक्सेस का बहुत बड़ा रोल है मार्केट के अंदर। एमएम कहता था कोई टैक्स है ही नहीं जबकि होता है बच्चों टैक्स का रोल। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है कहता ऑर्गेनाइजेशन की फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है जबकि ये मार्केट से आज की रेट में कोई रिलेट नहीं करता बच्चों। कुछ हद तक हम कह सकते हैं वॉल्टर करता है बाकी तो बिल्कुल नहीं कर पाते। गॉर्डन्स भी करता है पर वॉल्टर ज्यादा करता है। तो कहता है द ऑर्गेनाइजेशन हैज ए फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। और कहते हैं नो रिस्क कोई रिस्क तो होता ही नहीं। ये एमएम की सोच है कहता है नो रिस्क एग्जिस्ट इन अदर वर्ड्स इन्वेस्टर्स आर एबल टू फोरकास्ट future prices profits and dividend with certainty ठीक है। मान के चलता है कि इन्वेस्टर बिल्कुल फ्री है कोई टैक्सेस नहीं है कहता कोई डिविडेंड आपको इम्पैक्ट नहीं करता। कहता सिंपल सी कहानी है भैया मैं तो मानता ही नहीं कहता कि डिविडेंड इम्पैक्ट करता है। कहता बस ये तो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है जितने जितने लगाने वहां लगाते रहो। तो ये भी मान के चलता है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी ही आपकी क्या होती है IRR होती है। कहता आप कुछ छुपा नहीं सकते इसकी सोच है जबकि IRR कुछ हद तक बच्चों छुपती है तभी तो नेचुरल सी बात है कंपनियां बैलेंस होती हैं। अगर कंपनियां IRR पे आकृति हम अगर बात करें कॉस्ट ऑफ इक्विटी बना लेना तो सच में कंपनियां अगले दिन बच नहीं पाएंगी।
क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशन पे सारा पैसा दे पाना इतना आसान बताइए नहीं होता। मान लीजिए मेरी रिटर्न 20% आई है, तो वही बात है कि आपको 15 ही दिखानी होगी। आपके पापा अगर 2 लाख कमाते हैं और अगर वो आपको 2 लाख बता देंगे ना, तो सच बता रहा हूँ आपकी एक्सपेक्टेशंस को वो पूरा नहीं कर पाएंगे कभी। वो 1.5 लाख बताएंगे तभी 50 रुपये आपके एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर पाएंगे, क्योंकि ऑलवेज 2 लाख आए ये जरूरी नहीं होता बच्चों। यस और नो, ये सेम वही गेम है बच्चों जो घर में चलती है, ये वही गेम मार्केट के अंदर चलती है कि कंपनीज क्या करती हैं, अर्निंग से कुछ हद तक थोड़ी इक्विटी की एक्सपेक्टेशंस बनाती हैं, ताकि इक्विटी उसके बाद बैलेंस भी रहे। सही बोल रहा हूँ? हाँ जी बोलो, समझ में आया? तो कहता है, ये तो कहता है जितनी अर्निंग करती है उतनी सब कुछ पता होता है, और वैसे भी पता होता है। आजकल कुछ बच्चों को पता होता है बच्चों, वो अपनी हर पेरेंट्स की हर चीज को इवेल्युएट करके बैठे होते हैं, बट पहले ऐसा नहीं था। आज से 10 साल पहले अगर आप बात करो तो आप पेरेंट्स की इनकम जज भी नहीं कर सकते थे। अभी भी कुछ घरों में होगा क्यों, और हम जज कर सकता तो अपने पापा की इनकम कैलकुलेट कर सकता है? बोल भाई। नहीं ना, कोई भी नहीं कर सकता। नहीं पहले अब कर लेते हैं बच्चों। आप कहीं बच्चों को देखो, स्पेशली इन द क्लास ऑफ लाइक गवर्नमेंट जॉब्स, वहां पर है बच्चों ऐसा, वो उन्हें पता होता है पापा की सैलरी कितनी है, वो खुद आती है सैलरी शीट देखते हैं, इवन सब कुछ चीजें पता होती है उन्हें, हमारे पास कितने प्लॉट्स है, कितनी प्रॉपर्टी है, सब कुछ पता होता है। बट अभी भी कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जहाँ पर जज नहीं कर सकते आप। वो सिर्फ ये पता होगा घर ठीक ठाक चल रहा है, खाना मिल रहा है, फर्स्ट क्लास जी रहे हैं, कपड़े मिल रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, बस बात खत्म। कुछ नहीं पता होता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्योंकि वो जज करने का मौका ही नहीं देता। और बिजनेसमैन तो बिल्कुल नहीं देता, बिजनेसमैन तो सच्चाई बता के राजी नहीं होता घर में पूरी तरह से, क्योंकि वो उसको पता होता कि मुझे किस थॉट पे चलना है, मुझे एक्सपेक्टेशंस को बैलेंस करके चलना। अगर मैंने एक्सपेक्टेशंस इनकी इतनी बढ़ा दी तो इनकी सोच भी उसी लेवल पे पहुंच जाएगी। बताइए यस और नो, पहुंच जाएगी या नहीं पहुंच जाएगी बताओ भी। यस, अगर आकृति फॉर एग्जाम्पल आपका ब्रदर स्कूल में जाता है या आप स्कूल में जाते हो और आपको पता है मेरे पापा की 2 लाख सैलरी है, तो आपको अगर किसी दिन फॉर एग्जाम्पल स्कूटी पे जाते हुए दिक्कत आई तो आप क्या कहोगे पापा को, अगले दिन क्या कहोगे, गाड़ी ले दो मुझे, मैं धक्के खा के जाती हूँ स्कूटी पे। यस और नो? जी बट अगर यही आप स्कूटी पे जा रहे हो और आप आराम से जा रहे हो और आपको कभी खड्डे भी लगे या कभी ऐसा लगा कि यार स्कूटी पे मुझे कभी दिक्कत आती है, तब भी आप कहोगे अरे मेरे पापा की तो इतनी इनकम ही नहीं है, इतना तो मुझे लेके नहीं देंगे ना, इतना अफोर्ड कर सकते हैं मुझे गाड़ी दे दें एकदम, एक ही गाड़ी है घर में, दूसरी गाड़ी तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते हम। उन्होंने बताई इतनी होगी कि जितनी उनके आपके दिमाग में सेटल हो सके, उन्होंने बताई नहीं होगी क्योंकि आपके फ्यूचर के लिए उन्होंने कुछ सेव किया है या नहीं किया, वो बैलेंस करते हैं बच्चों ये चीजें, ये रियल फैक्ट है। आप इंडिया के अंदर, इंडिया ये चीज में चलता आ रहा है क्यों, और हम पुरानी स्कूटी दे देते हैं ना हमारे हाथ में, ले ले जा इसी को तोड़ता रही हूँ बता भी, या नहीं देते हैं? हैं, नहीं दे देते हैं, नहीं पुराने दे देते हैं, कहते तोड़ता रहे जितनी तोड़नी है, फिर उसके बाद भी अगर जब 4 बार कहोगे ना बदल दो, अवल तो 10 बार कहोगे तो बदल दो, तो बदलने का नाम लेते हैं, तो कहेंगे चला लेना तुझे क्या दिक्कत है, ठीक ठाक तो चलती है, ले मैं जा रहा हूँ चला के देख कितनी बढ़िया फर्स्ट क्लास चलती है। तू कहेगा ना मेरे दोस्तों के सामने मेरी इंसल्ट होती है, कहता ला वो कमाल है, उन दोस्तों से क्या कंपेयर करना बच्चा, वो तो बड़े बड़े अमीर लोग हैं, ये कहते हैं ना बच्चों। यस और नो? हाँ भी आराम, ऐसे ही कहते हैं ना, बोल भाई। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो हमसे ज्यादा अमीर नहीं होते कई बार, वो सिर्फ शो ऑफ कर जाते हैं। कुछ पेरेंट्स को ये चीज बैलेंस करनी आती है, कुछ पेरेंट्स को ये चीज बैलेंस करनी नहीं आती। जिनको आती है उनके बच्चे लाइफ में सक्सेसफुल भी बनते हैं, क्योंकि वो इसी थ्योरी पे चलते हैं। कहता आर कभी भी ई के बराबर नहीं लाते, बट वही कंपनी करती है, एक अच्छा फाइनेंस मैनेजर आर कभी ई के बराबर नहीं लाता, पर एमएम कहता है आर ई के बराबर ही चलता है। तो कहता फिर देख लो क्या होता है, आर ई के बराबर चलता है तो आ जाओ अभी मैथमेटिकल प्रूफ करते हैं इसको। इसकी सोच यही है, एमएम की सोच यही है कि आर ई के बराबर ही आता है, एमएम यही सोच के चलता है। एमएम कहता है डिविडेंड का कोई रोल ही नहीं है, जितने पैसे आते रहते हैं उतने इन्वेस्टमेंट घटती जाती है। कहता है यार मजाक ही ना करो तुम, कहते इसमें कैपिटल अप्रिसिएशन के साथ चलता है, पर आपको दिक्कत लेने वाली बात ही नहीं। तो कहता है अब आर बनता कैसे, कहता अब ये आर से शुरू हुआ ना कि P0 से शुरू हुआ, पहले तो स्टेप वन लिखते हैं इसका, इसको ध्यान से समझना है, स्टेप्स में चलेगा ये क्वेश्चन, मतलब फॉर्मूला। देखिए स्टेप वन में कहता आर जो बनती है ना, कहता वो एक तो डिविडेंड होता है आपका प्लस कैपिटल अप्रिसिएशन, बाय में P0 होता है। आप कहोगे ये कहां से आ गया सर, ये कौन सा नया फॉर्मूला बता। आकृति कहता है आर क्या बनती है, मैं आपको एक सिंपल सा आंसर देता हूं। मैंने आज एक शेयर खरीदा 100 रुपए का, अगले साल उसका प्राइस है 110, तो कितना कैपिटल अप्रिसिएशन आया,
₹10 प्लस कहता है जो डिविडेंड मिला मुझे, फॉर एग्जाम्पल उस ₹100 के शेयर पे मुझे ₹5 डिविडेंड मिल गया, तो कहता है ये ₹15 अब क्या आ रहा है, बस बात खत्म। कहता और बाकी दिमाग मत लगाया करो, कहता कहता बाकी जो दिमाग लगाया आपने सारा व्यर्थ है। कहता सीधी सीधी सी बात है, कंपनी ने जो पैसे आपके रिटेंड किए होंगे या कुछ भी किया होगा वो घूम फिर के कैपिटल अप्रिसिएशन में तो आके दिखेगा, वो कंपनी के मार्केट प्राइस पे ही तो दिखेगा। तो कहता मार्केट प्राइस इतना बड़ा है कंपनी का कैपिटल अप्रिसिएशन के तौर पे, और प्लस जो कंपनी ने डिविडेंड दिया वही कहता आ रहा है, क्यों पागल बनाए जाते हो बच्चों को, कहते परेशान करके रखा हुआ क्यों भी यार, सच तो यही है ये नहीं है, बट इसके पीछे की बैकग्राउंड कुछ नहीं बताता। वो कहता बैकग्राउंड होती नहीं, जो कि वॉल्टर कहता है होती है। वॉल्टर कहता है आप रिटेन अर्निंग्स उसी हिसाब से चलाते हो, कहता है ई और के आर में फर्क होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, पर कहता है ये कहता कुछ नहीं फर्क होता। कहता सीधी सी बात है यार, क्यों परेशान कर रहे हो। कहता जो आपका कैपिटल अप्रिसिएशन आएगा एक साल नहीं आएगा, अगले साल दिखा दोगे, अगले साल नहीं दिखाओगे, तीसरे साल दिखाओगे, दिखाओगे तो कैपिटल अप्रिसिएशन के तौर पर ही। तो कहता क्यों सोचते हो इतने फॉर्मूले लगा लगा के। कहता सिंपल है, डेप्रिसिएशन आपका कैपिटल अप्रिसिएशन प्लस डिविडेंड वही आपका आर बनता है, बताओ अभी यही बनता है। अगर इसको और खोल के रखना चाहूँ तो क्या बना सकता हूँ, डिविडेंड प्लस कैपिटल अप्रिसिएशन का मतलब P1 - P0 / P0, यही होगा जो 110 हो गया मार्केट में, बताओ भी यस और नो। राम कहता है इसको और खोल लेते हैं, कहता P0R = dividend P1, सॉरी इसको अभी इसको प्लस में रहने दो, -P0। हाँ जी कहता है P0R, इसको P0 को इधर ले आता हूँ प्लस कर लेता हूँ, कहता है यही होता है बस आर। कहता है क्यों पजल करते रहते हो आर को, पी नोट यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, 1 + R तो P0 क्या होता है, कहता ये होता है, कहता और आर को आप के भी कह सकते हो, कहता क्योंकि हमने पहले असम्पशन लिया आर क्या होता है, के भी होता है, बताओ भाई। कहता आर के भी है, कहता एक ही बात है दोनों, हम एजम्पशन लेके चले R = K, कहता बस फिर क्यों पजल हो रहे हो, ये क्या आ गया बताओ भी, प्राइस ऑफ कहता 1 शेयर है ये, कहता ऐसे पूरी कंपनी का मार्केट प्राइस निकाल लो, कहता कोई दिक्कत ही नहीं आपको। अब आराम आप ये कहोगे ना डिविडेंड तो इसने लिया है तो फिर इसका मतलब डिविडेंड घटेगा बढ़ेगा तो प्राइस पे फर्क पड़ेगा, तो फिर ये प्रूफ कैसे कर पाएगा कि इस डिविडेंड को ये लेके चला। तो कहता मैं डिविडेंड भी प्रूफ करता हूँ इस फॉर्मूले में से, डिविडेंड बाहर करके दिखाता हूँ। कहता बड़ा समझदार है, कहता मैं डिविडेंड बाहर ही कर देता हूँ, आप मुझे ब्लैकमेल मत करो कि डिविडेंड का रोल होता है इसमें। कहता मैं प्रूफ करके सकता हूँ कि डिविडेंड का कोई रोल होता ही नहीं। कहता रोल सिर्फ और सिर्फ किसका है, मार्केट प्राइस पे जो घूम रहा है वो शेयर, कहता डिविडेंड पे पर घूमता ही नहीं है, सीधी सी बात है। यहाँ तक तो डिविडेंड दिखाया इसने, क्योंकि ये बताया स्टेप वन में कि ऑब्वियस है आज जो प्राइस है अगले साल जो प्राइस होगा उसका कैपिटल एप्रिसिएशन प्लस जो डिविडेंड मिला वही कहता आपका क्या बनेगा, P0 आर बन जाएगा। आर बनाने के लिए कहता जरूरत है, पर P0 बनाने के लिए कहता डिविडेंड की कोई जरूरत नहीं है। कहता मैं आपको प्रूफ करके दिखा सकता हूँ। हाँ जी आकृति जी, यहाँ तक समझ में आया ये फॉर्मूला, बताओ भी यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, आराम कोई दिक्कत, चले स्टेप टू करें, स्टेप टू इसी का स्टेप टू है इस फॉर्मूले का। कहता है नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर जितने भी होते हैं उसको पकड़ो, कहता है जितने भी आपकी कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं उससे मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि ये तो एक प्राइस का शेयर था, अब सारे का निकालना है तो नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कहता है N P0, और वैसे जितने शेयर हमें पता है उससे मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी N हो जाएगा सारे। बताओ जी आकृति जी, क्लियर यहाँ तक, ठीक है जी आराम जी, क्लियर। कहता अब जो आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए वो देखो करके, कहता न्यू शेयर्स जो आपको चाहिए, और फॉर एग्जांपल आप इसको यूज इसीलिए कर रहे हो ना ये सब चीजें जानने के लिए कि आपको कभी पैसा पकड़ना हो या इन्वेस्टमेंट लानी हो तो उस केस में क्या करोगे, कहता वो लिख आओ स्टेप थ्री में। कहता स्टेप थ्री, कहता न्यू शेयर्स आर इशूड, At the end of the year one,
और वो किस प्राइस पे होंगे, कहता एट प्राइस वन पी वन पे, क्योंकि पी जीरो कौन सा प्राइस है, ऑब्वियस पी जीरो कहता मेरा फ्रंट ईयर का प्राइस था 100 रुपए, 110 मैंने अगले साल का प्राइस पता किया कि मेरा निकल के आया, तो जो अब मैं इशू करूंगा तो 110 पे ही करूंगा ना आकृति, 100 पे तो करने से रहा, क्यों आराम 100 पे तो करने से रहा, कर दूंगा 100 पे, बता भी आराम करूंगा 100 पे, बोलो नहीं करूंगा ना, हाँ जी आराम, नो देखो सर। अब जो इशू करूंगा वो नए नए शेयर, क्या इसमें आके मैं यूज कर सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ, नहीं कर सकता बच्चों, ये तो एनपी जीरो का फॉर्मूला है, अगर करूंगा एनपी जीरो का फॉर्मूला तो नेचुरल सी बात है फिर मुझे दोनों साइड बढ़ाने पड़ेंगे, ऑब्वियस है, जैसे फॉर एग्जांपल दिखाता हूँ मैं करके, देखो एनपी जीरो एन अब कहता है मैं नए शेयर इशू करता हूँ प्लस एन पी वन, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स जितने न्यू शेयर्स इशू किए जा रहे हैं उसको एनपी वन कहा जा रहा है, डेल्टा क्यों लिखा जा रहा है, डेल्टा है न्यू शेयर्स जितने भी आपने इशू किए, चेंज इन नंबर ऑफ शेयर्स, पी वन है न्यू शेयर का प्राइस, माइनस कहता फिर वही डेल्टा दोबारा माइनस कर दो, अपॉन वन प्लस के तो रहेगा ही करेगा, कहता है जो आपने इशू करे उसको एक बार प्लस कर दो एक बार माइनस कर दो तभी एनपी जीरो के बराबर रहेगा, नहीं तो एनपी जीरो के बराबर तो हो नहीं सकता, सॉल्व कर लेते हैं इसको, थोड़ा सा समझना टिपिकल है बट समझ में आ जाएगा, ये अलग चीज से चला इसलिए आपको अलग लग रहा हो, एन डी वन एन पी वन सॉल्व कर लेते हैं प्लस एन पी वन हाँ जी आराम जी, यही आएगा बताओ भी, यही आएगा, ये क्या हो गया बच्चों आपके पास, एक तरफ से न्यू इन्वेस्टमेंट जो आप लेके आए हो, एक बार प्लस कर दी एक बार माइनस, आप कहोगे सर आप कर क्यों रहे हो ये चीज, देखो तो जाओ डी को खत्म करना है बच्चों, डी को उड़ाना है हमने यहाँ से, वो यही कहना चाहता है, कहता मैं डी के बिना चलता आया हूँ तो मैं डी को उड़ा के दिखाऊंगा तुम्हें, हाँ जी आकृति जी यहाँ तक कोई दिक्कत, आरम कोई दिक्कत, अब कहता है एनपी जीरो यही रहने दो, अब इसमें से एन कॉमन लेने ले रखा था, एन डी वन ऐसे ही रहने देता हूँ, यहाँ एन कॉमन ले सकता हूँ या पी वन कॉमन ले सकता हूँ, बताओ भी आराम ले सकता हूँ, बताओ बच्चों ले पाऊंगा या नहीं, आराम जी आकृति जी ले पाऊंगा या नहीं, अब कहता स्टेप फोर सुबह आराम कहेगा फॉर्मूला बनाया क्या दुखी कर लिया, कुछ नहीं अब तो बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है बस उलझाया हुआ है थोड़ा सा, अब कहता है न्यू इन्वेस्टमेंट फॉर एग्जांपल न्यू शेयर्स इशू कर रहा था मैं, अब वहां पर समझा के चलता हूँ फिर वापस लाऊंगा, कहता फॉर एग्जांपल मेरी रिक्वायरमेंट थी 10 लाख की, कितनी आकृति रिक्वायरमेंट थी 10 लाख, रिटेन्ड अर्निंग्स मेरे पास पड़ी कितनी है, तो बचा हुआ मुझे न्यू शेयर्स कितने के इशू करने पड़ेंगे, हाँ जी अरम जी यही शेयर इशू करने पड़ेंगे, और न्यू शेयर्स को मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर, चेंज इन एनपी वन, चेंज इन एनपी वन का मतलब क्या है, टोटल रिक्वायरमेंट माइनस रिटेन्ड अर्निंग्स, यही आकृति यस और नो, अब टोटल रिक्वायरमेंट माइनस रिटेन्ड अर्निंग को क्या लिख लूं मैं,
रिटेन्ड अर्निंग को ये लिख सकता हूँ टोटल अर्निंग माइनस डिविडेंड. ऑब्वियस रिटेन्ड अर्निंग तो वही होगी ना जो डिविडेंड माइनस करने के बाद आई होगी. हाँ भी आराम जी, आकृति जी बोलो जी, यही होगी बच्चों. तो ऑब्वियस है चेंज इन एनपी वन टोटल रिक्वायरमेंट है, मान लो इनिशियल इन्वेस्टमेंट आई मान लिया, अर्निंग को ऑब्वियस है ई मान लो चाहे वाई मान लो, बुक में तुम्हारे ई माना हुआ है मैंने वाई मान लिया, ई मान लेना ई मान लो बुक में तुम्हारे ई माना हुआ है ई मान लिया. डिविडेंड बताइए बोलो भाई, यही होगा बच्चों. और डिविडेंड को भी कैसे लिखूंगा, एन डी वन लिखूंगा आराम, कैसे लिखूंगा एन डी वन लिखूंगा जितने नंबर ऑफ शेयर्स को दिया होगा डिविडेंड डी वन, यस और नो बोलो बच्चों. अब इसको खोल लो, आई माइनस ई माइनस प्लस एन डी वन. अब इसको इक्वेशन बनाता हूँ सेकंड, एक इक्वेशन इसको बनाता हूँ फर्स्ट. अब कहता हूँ सब्स्टिट्यूट करो इसको, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा एन पी वन, वहां पर जो वैल्यू दी थी इन इक्वेशन वन, अब इस वैल्यू को उठा के उसमें ले जाते हैं. पहले उसको लिख लेता हूँ दोबारा फिर तुम्हें आसानी रहेगी. एन पी जीरो एन डी वन प्लस एन प्लस चेंज इन एन पी वन माइनस चेंज इन एन पी वन, यही था ना वन प्लस के. अब इसकी जगह रखते हैं एन डी वन प्लस एन प्लस चेंज इन एन पी वन माइनस, इसकी जगह रखो भी आई माइनस ई प्लस एन डी वन वन प्लस के एन पी जीरो. सॉल्व करें अब इस इक्वेशन को, एन पी जीरो एन डी वन एन माइनस आई प्लस ई माइनस एन डी वन वन प्लस के कैंसल. हाँ जी बताओ भी कैंसल. आकृति जी कैंसल, यही खत्म करना था कहता. अब कहता है एनपी जीरो में कहता कोई जरूरत ही नहीं होती डिविडेंड की, कहता फॉर्मूला क्या बन गया चेंज इन एन एन पी वन माइनस आई प्लस ई बाय में वन प्लस के, कहता ये फॉर्मूला बन गया बस मोटी लानी मिल रहा. हाँ भी आराम, कहता जरूरत ही नहीं आपको, जरूरत ही नहीं किसकी डिविडेंड की, कहता डिविडेंड के बिना मार्केट प्राइस चलता. हाँ जी प्रूफ कर गया मोटी लानी कि भाई किसी के बिना चलता है, बताओ बच्चों किसके बिना चलता है बोलो बच्चों, किसके बिना चलता है डिविडेंड के बिना. चलें आप किस किस टर्म में क्या क्या यूज किया लिखवा दूं एक बार कि क्या क्या किसको लिया. हाँ जी अरम जी क्लियर हुआ फॉर्म, ये लिखवा देता हूँ. पी जीरो मैंने लिया बच्चों एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, डी वन ले रहा हूं मैं डिविडेंड डिक्लेयर एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ईयर वन के ही लिया था मैंने कॉस्ट ऑफ इक्विटी, या के ले लेना एक ही बात है, कहीं पर मैंने के ई और के लिखा हो तो एक ही बात होगी यहाँ पर. पी वन करंट मार्केट प्राइस जो भी है, प्राइस एट द एंड ऑफ द पीरियड वन, एक साल के बाद जो पीरियड था 110 रुपए,
n total number of shares, number of old existing shares. चेंज इन एन जितने नए इशू कर रहा हूं मैं, नंबर ऑफ न्यू शेयर्स टू बी इशूड. अभी क्वेश्चन कराता हूँ, सारा क्लियर हो जाएगा. कहोगे सर कुछ भी नहीं था, फॉर्मूला ये बस एक बार समझने वाली बात थी. आई टोटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ फंड्स, E, total earnings. अब वैसे ND1, total dividend distribution. E minus ND1. रिटेन अर्निंग्स को लिया था. एन प्लस चेंज इन एन टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है और एन पी जीरो वैल्यू ऑफ फॉर्म है, क्योंकि यहां मार्केट प्राइस तो आएगा ही नहीं, तो क्या आएगी वैल्यू ऑफ फॉर्म बताइए. आ जाओ बच्चों, बुक का क्वेश्चन दिखा रहा हूं, वही कराता हूं पूरा. चले नोट कर लिया? हाँ जी सर. देखो और ये क्वेश्चन नंबर होगा आपका जहां तक है सेकंड, सेकंड ईयर. नहीं कुछ वॉल्टर का सेकंड तो अच्छा फर्स्ट ही होगा फिर. हाँ जी मिल गया. हाँ जी क्वेश्चन मिल गया आकृति जी. अब इसमें दो तरह से आपको क्वेश्चन करना होगा. कहता इसमें वैल्यू ऑफ फॉर्म हमेशा दो तरह से निकलेगी, एक डिविडेंड पेड और एक नॉट पेड. अब कैसे निकलेगी पहले तो क्वेश्चन पढ़ते हैं. एमएम अप्रोच का क्वेश्चन है, पढ़िए एक बार क्वेश्चन को पहले तो अच्छी तरह से. क्वेश्चन पढ़िए, एमएम थ्योरी लिख लेना, यहां मैंने अप्रोच लिख दिया बच्चा डिविडेंड में. कहता है एबी इंजीनियरिंग है, कहता है 10% कैपिटलाइजेशन रेट है, ठीक है जी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी दे रखी है, 10,000 शेयर्स हैं 100 के एच. फर्म कहती है डिविडेंड देती है ₹5 एट द एंड ऑफ द ईयर. इट एक्सपेक्ट टू बी नेट इनकम कितनी आनी चाहिए 1 लाख तक. प्रपोजल है मेकिंग न्यू इन्वेस्टमेंट कितने की 2 लाख की. अब अगर अरम 2 लाख है फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अर्निंग है और ₹1 लाख मेरे पास इन्वेस्टमेंट, और वैसे 2 लाख मेरे को नई इन्वेस्टमेंट चाहिए, ₹1 लाख मेरे को इनकम आ रही है, अगर डिविडेंड नहीं दूंगा तो वो 1 लाख यूज कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, येस और नो बताओ बच्चों. और बट अगर डिविडेंड दूंगा तो मैं फिर कम यूज कर पाऊंगा,
तो कम यूज कर पाऊंगा, तो कहता वो भी कंपेयर करके आप मुझे बताओ। तो कहता मार्केट प्राइस कैसे बनेगा, तो कहता मार्केट प्राइस बढ़ जाएगा। आकृति सिंपल सिंपल सी कहानी इसने क्या कही है, समझने की कोशिश करना इस क्वेश्चन को, अच्छी तरह से सामने रखते हैं, एक बार मैं करके दिखाऊंगा, आप खुद समझ जाओगे, कहोगे सर हम समझ गए आपकी क्या कहना चाह रहे हो। बच्चा अगर मैं 5 रुपये आपको डिविडेंड दे देता हूँ, तो कहता है आपका मार्केट प्राइस बढ़ जाता है। कहता अगर 5 रुपये डिविडेंड नहीं देता हूं, तो कहता कुछ नहीं फर्क पड़ता, कहता वही मार्केट प्राइस रहता है। तो आप रिटेन अर्निंग में से यूज कर जाते हो, तो रिटेन अर्निंग में वो काम आ जाता है। अब आप कहोगे सर ये जो बातें आप बोल रहे हो, ये मुझे बाहर जा रही है, मेरे पल्ले नहीं पड़ रही। तो कहता मैंने कहा मैं कोई बात नहीं, तुम्हें समझने की कोई जरूरत नहीं, मैं समझाता हूँ तुम्हें कैसे करना। सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ से कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी है, 10%। इसीलिए क्वेश्चन मैं पहले खुद हाथ से करा रहा हूँ ताकि तुम्हें समझ में आए कितनी दी हुई है, 10%। आकृति जो चीजें हमें पता है वो हम उठा लाते हैं, एन पता है कितने शेयर्स हैं, 10,000 शेयर्स। अभी फिलहाल के लिए हमें शेयर का प्राइस भी P0 बता रखा है, मार्केट के अंदर कितने रुपए का है, 100 इच। अगर मैं आज की डेट में मैं अर्निंग्स बताऊं, तो मेरे को टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए, आई कितना दिया हुआ है, 2 लाख। और अगर मैं अर्निंग्स की बात करूं, तो मेरे पास अर्निंग्स कितनी है बताइए, 1 लाख। यस और नो बताओ भाई, आ रहा है यहां तक समझ? हाँ जी आकृति, यहां तक समझ में आ रहा है? बोलो भाई, यहां तक समझ जी में आ रहा है? अब कहता है फॉर एग्जाम्पल यहां मैं P0 पे खड़ा हूँ 100 रुपए पे, अगर डिविडेंड नहीं देता 0 देता हूँ, अगर डिविडेंड देता हूँ 5 रुपए, तो दोनों के प्राइस अलग अलग बनेंगे मार्केट के, वो दिखाता हूँ कैसे। स्टेप वन देखना, कहते तो सबसे पहले पहले मार्केट प्राइस निकालना होगा, P1 निकालना होगा, तभी हम उस फॉर्मूले को यूज कर पाएंगे, तब तक नहीं यूज कर सकते। कहता P0 जो भी होता है, अब हमने क्या किया था, P1 प्लस D1 1/1 प्लस K, ये फॉर्मूला हमने यहाँ स्टार्टिंग में पढ़ा था, देख लो दिखा देता हूँ, ऐसे कुछ नहीं लिखूंगा जिससे तुम्हें लगेगा कि सर ने कुछ ऐसा लिख दिया। आराम जी मिल गया, आकृति मिल गया, यही बनाता था ना हमारा प्राइस P0, हमें P0 पता है, तो यही बनाएगा ना P1 भी, बताओ भी आकृति मिल गया। जी अब देखो डिविडेंड नहीं दे रहा मैं, ध्यान से देखते जाना, तुम खुद समझ जाओगे कि क्या कहना चाह रहे हैं सर। मेरे को P0 पता है 100 रुपये, मेरे को P1 नहीं पता मेरा कितना है, डिविडेंड में दे नहीं रहा 0 है, 1 प्लस K, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 10% है। अब खुद बना के देखो P1 कितना बनेगा, बनता है कि नहीं बनता, चेक कर लो बनता है कि नहीं बनता। हाँ भी अगर हम बनता है आकृति, बनता है, डिविडेंड नहीं दिया, लिख रहा हूं स्टेप वन में डिविडेंड नहीं दिया, लिख देता हूं यहां पर डिविडेंड नॉट पेड, डिविडेंड नॉट पेड। हाँ भी अगर हम बनता है कि नहीं बनता, और मैं दोनों से प्रूफ करूंगा, डिविडेंड नहीं दोगे तब भी मार्केट प्राइस वही आएगा, तब भी कंपनी वहीं पर खड़ी होगी, वैल्यू ऑफ फर्म वही होगी, और अगर डिविडेंड दे दोगे कहता तब भी वहीं खड़ी होगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, कहते यही तो मोड गिलानी की खासियत है। हाँ जी आकृति जी, P1 निकल आ गया, निकल गया P1। जी स्टेप 2, तुम्हारी बुक में भी बच्चों स्टेप से ही किया हुआ है, तो तुम भी ऐसे ही करना। अब अर्निंग मेरे पास अवेलेबल कितनी थी, 1 लाख। इन्वेस्टमेंट मेरे को चाहिए कितनी थी, अरम कितनी चाहिए थी, 2 लाख। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट मैं कर नहीं रहा, 0 दे रहा हूँ डिविडेंड, तो यही अर्निंग जो मेरे पास थी वो सारी की सारी मैं यूज कर लूंगा कि नहीं कर लूंगा, बताओ भाई। तो न्यू शेयर्स कितने का इशू करूंगा, क्या करूंगा, इन्वेस्टमेंट माइनस अर्निंग्स, मुझे कितना पैसा चाहिए, बैलेंस फंड्स रिक्वायर्ड है मुझे, कितना चाहिए आकृति जी, आरम मुझे कितना पैसा चाहिए, तो अगर एक तरफ से मैं बात करूं चेंज इन एन कितने, 1 लाख रुपए मुझे चाहिए कि नहीं चाहिए, डिवाइडेड बाय कितने रुपए पे, शेयर का प्राइस क्या है, 110। नंबर ऑफ शेयर्स तो वही निकल के आएंगे ना, बताओ भी, नहीं समझ में आया आकृति, खुद सोचो, मुझे 1 लाख रुपए चाहिए,
मेरे पास 1 लाख 2 लाख रुपए चाहिए, 1 लाख रुपए पड़े हैं, डिविडेंड मैंने देना नहीं है, सारे पैसे यूज कर लिए। अब जो 1 लाख आएगा वो P1 को डिवाइड करके तो आएगा, क्योंकि ऑब्वियस है। अगर मैं इस 1 लाख को बात करूँ तो वो क्या है, चेंज इन NP1 है 1 लाख रुपए, और अगर मैं P1 से डिवाइड कर दूंगा तो चेंज इन N आ जाएंगे, नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे P1 से डिवाइड करके, इतने शेयर्स को इशू करूंगा तभी तो बात बनेगी। येस और नो? आराम आकृति जी बोलो भी, येस और नो बताओ भी। आराम जी कहाँ खोए हो बताओ भी, ठीक यही होगा चाहे इसको है स्टेप 3 लिख लो। सर। वैसे P1 तो P1 नहीं लेना चाहिए मेरे ख्याल से, क्यों नहीं लेना चाहिए बता, P0 होगा। क्यों ले पी जोड़ो? मेरे को 1 साल बाद 2 लाख रुपए चाहिए, 2 लाख में चाहिए, 1 लाख रुपए मेरा ऑब्वियस है, मैंने डिविडेंड दिया नहीं मेरी अर्निंग एक में। साल बाद चाहिए, ठीक ये देखो पढ़ो 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 क्वेश्चन पढ़ो, ऐसे नहीं हम कर रहे क्वेश्चन को। एबीजी इंजीनियरिंग बिलोंग करती है, कैपिटलाइजेशन रेट है आज 10,000 शेयर है, द फर्म इज कॉम्पिटिंग कॉम्पिटिटिंग डिविडेंड ₹5 एट द एंड ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर। मिल गया ठीक है सर। बच्चों? बिल्कुल गलत नहीं करेंगे, मार्केट में जो चीज मिलेगी वही चीज बेचेंगे, अदरवाइज नहीं बेच सकते हम, हमारे हाथ में भी कुछ नहीं है, बंधे हुए हैं सबके हाथ। स्टेप 3 चेंज इन एन निकल गया, अब कहता है कैलकुलेट करनी है वैल्यू ऑफ फर्म। स्टेप 4 लिखो, फॉर्मूला क्या होता था? NP0 N प्लस चेंज इन N P1 I प्लस P1 प्लस K, ये फॉर्मूला हमने निकाला था। अच्छा देख लो आपकी कॉपी में लिखा होगा, नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे हमारे को दिया हुए थे, नंबर ऑफ शेयर स्टार्टिंग में बता रखे हैं 10,000, चेंज इन N मैंने नहीं निकाला अभी, अभी निकाल के हटाऊँ, 1 लाख को 110 से डिवाइड करूंगा वही आएंगे, मैंने रहने दिया ऐसे ही क्योंकि मेरे को पता है ये कैंसिल आउट हो जाएगा। P1 कितना है? 110। इन्वेस्टमेंट मुझे चाहिए कितनी? 2 लाख। मेरे पास अर्निंग कितनी पड़ी है? 1 लाख। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी? 1 प्लस K, ये कितना? 0.10। सॉल्व करो इसको, सॉल्व करो, NP0 की वैल्यू आएगी, करो सॉल्व। एलसीएम ले ले आकृति, और तो कोई चारा नहीं है। हाँ जी आकृति जी ठीक कह रहा हूँ, इनटू 110 सर 1 लाख बाय 110 में होना चाहिए, 1 लाख बाय 110। कौन सा? 1 लाख बाय 110 क्यों? अच्छा हाँ 1 लाख बाय 110 बच्चों, 110 लिख दो जल्दी से लिखती, थैंक यू, सारा क्वेश्चन गलत हो जाता। चलो जी यही होगा जी आकृति जी, क्या इससे मैं ये काट सकता हूँ बताइए, काट सकता हूँ हाँ जी सर, इसको? 11 लाख प्लस 1 लाख कितने हो जाएंगे? 12 लाख, क्योंकि 10,000 इंटू 110 किया था, 11 लाख प्लस 1 लाख 12 लाख, माइनस 2 लाख प्लस 1 लाख डिवाइड बाय 1.10, मेरा NP0 निकल के आएगा 10 लाख निकल के आएगा। हाँ जी सर, अब डिविडेंड पे नहीं किया था अभी, ये याद रखना, डिविडेंड पे नहीं किया था। NP0 आ गया, अब सेकंड केस बनाते हैं, वैल्यू ऑफ फॉर्म व्हेन डिविडेंड आर पेड। तो कहता है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही तो प्रूफ करके दिखा रखा है मोड की लाने ने, कहता है डिविडेंड दे दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ना दे दो तो भी कोई दिक्कत नहीं, कहता अपना मौज में है ही है, कहता कोई प्रॉब्लम नहीं, कहता देखो कैसे। केस 2, वैल्यू ऑफ फॉर्म व्हेन डिविडेंड्स आर अब वही चीज चलते हैं, KE बता रखी है हमारे को 10%, P0 हमें बता रखा था 100,
P0 को मेरे को यूज करना होता था किससे, P1 प्लस D1 अपॉन में 1 प्लस के। D1 बता रखा है 5 रुपए, कहता 5 रुपए डिविडेंड देते हैं, फिर क्या होता है देखो। P0 निकाल लेते हैं, P0 बता ही रखा है 100 रुपीज, P1 निकाल लेते हैं। D1 पता है 5 रुपए, K कितना 1 प्लस 0.010, करो कितना आता 105 आएगा बच्चा, सॉल्व कर लो। 105 आ रहा है ना बच्चों, 5 रुपीज उधर जाके माइनस हो गया प्राइस, कहता 105 हो जाएगा, कहता डिविडेंड दे दोगे 105 हो जाएगा प्राइस, फिर कहता प्राइस 105 हो जाएगा, वैल्यू ऑफ फॉर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बार बार यही कहता रहेगा वैल्यू ऑफ फॉर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बच्चों सीधी सी बात है ये वही अप्रोच लेके बैठा अभी तक कि वैल्यू ऑफ फॉर्म डज नॉट चेंज, कहता मार्केट प्राइस पे जो मर्जी करते रहो तुम उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कहता कैलकुलेशन ऑफ फंड्स देख लेते हैं, तो कैपिटल स्ट्रक्चर में कहता था ये बात, रिक्वायर्ड फॉर इन्वेस्टमेंट। अर्निंग्स कितनी है, वन लाख की, इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए, 2 लाख। अब जब बच्चों डिविडेंड बांट देंगे तो अर्निंग उतनी रहेगी या कम हो जाएगी, किया था हमने ये बात, रिटेंड अर्निंग्स कम हो जाएंगी ना, बताइए अब रिटेंड अर्निंग्स कितनी हो जाएंगी। एक लाख माइनस डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड। हाँ भैया, डिविडेंड बांट देंगे तो कम हो जाएगी या नहीं कम हो जाएगी, एक सेकंड। डिविडेंड कितना दे दिया 10,000 शेयर्स को 5 रुपए, बताओ अभी कितनी रिटेंड अर्निंग्स आ जाएगी। अब फंड्स, बैलेंस फंड्स रिक्वायर्ड कितने होंगे, 2 लाख चाहिए, 50,000 हमारी रिटेंड अर्निंग्स पड़ी है, कितना होंगे बताओ, 1,50,000। अब नंबर ऑफ शेयर कितने आएंगे बताओ अभी, चेंज इन एन स्टेप 3, डेढ़ लाख अपॉन में 105। यहाँ तक आकृति जी, आराम जी बोलो जी, किसी को दिक्कत हो। नो सर। अब स्टेप 4, आ जाओ स्टेप 4, कहते हैं NP0 निकालने के लिए फॉर्मूला, भाई माइनस आई प्लस ई अपॉन में 1 प्लस के। चल पढ़ो, नंबर ऑफ शेयर कितने थे 10, नए शेयर्स अभी पता नहीं है 50, हमने 105 से डिवाइड कर रखा है, प्राइस हमें पता है 105, आई हमें पता है 2 लाख, बताइए ई अर्निंग्स हमें पता है 1 लाख, के हमें पता है, NP0 सामने रख लो, करो भी सॉल्व इसको, करिए कितना आता है 10,000 × 5 1 लाख, 10,000 1,50,000 प्लस 1,50,000, ये तो कैंसिल हो ही जाएगा 105 बच्चों, यस और नो, किया था अभी
कीजिए इसको सॉल्व, कितना आता 10.50 प्लस 1.50 माइनस 2 लाख प्लस 1 लाख, देखो मैं 11 लाख डिवाइडेड बाय 1.10 कितनी आती है वैल्यू ऑफ फॉर्म, बोलो जी अरम जी कहाँ घूम पहुंचे, घूम फिर के फिर दोबारा से वहीं पहुंच गए ना जहां से चले थे यार, कोई फायदा हुआ डिविडेंड देने का, कहता ना कोई फायदा नहीं, कहता डिविडेंड दो चाहे ना तो, कहता मेरी थ्योरी तो सेम है, कहता इसलिए मैं तो प्रूफ करता हूँ ये बात। आराम सोच रहा होगा, कहता सही कहा था मोड़ गिलानी ने, ऐसे वाल्टर उन्होंने तो दिमाग खराब करके रखा हुआ है, क्यों भी आराम जी सही कह रहा है ना भी वाल्टर MM. सही तो यही है बंदा मुझे पता था तेरे दिमाग में यही आएगा, ओ भाई इसने एक अजम्पशन ली है तब सही हो रहा है ये कि R is equal to KE, इसने अजम्पशन ली है, क्या सोच रहा है तू, कहाँ बैठ के सोच रहा है, कहाँ ख्वाब देख रहा है, R is KE के बराबर है तब चलिए चल रहा है, समझ आई या नहीं? ठीक है, अगर R greater than KE होता फिर इसकी अजम्पशन काम आती है और R greater than KE always होता आकृति, ये नहीं होता, मैंने बार बार इतनी बारीकी से तो तुम्हें समझा दिया कि तुम्हारे पापा जिस दिन तुम्हें अपनी पूरी अर्निंग बताने लग गए ना लुट जाएंगे वो, तुम्हारी एक्सपेक्टेशन तुम्हें मार जाएंगे उनको, वो तुम्हें यही कहते रहते हैं तभी तुम्हारा काम चलता है, तभी तुम चलाते हो काम, नहीं तो तुम तो जो दो ब्रदर सिस्टर है ना उनसे पूछ के देखना घर में जूत खड़कते हैं, अगर ऑब्वियस है वो एक को चीज ले देंगे दूसरे को नहीं लेके देंगे, सच बता रहा हूँ ये बात, बड़ा बैलेंस करना मुश्किल होता है, बच्चे दो बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल है, जो सिंगल सिंगल चाइल्ड है ना वो फिर भी चलो ठीक है सीधी सी बात है, पर वो अकेले ही चौड़े होते रहते हैं क्योंकि सारी चीज उन्हीं को मिलनी होती है तो वो अकेले ही चौड़े होते रहते हैं, पर जो दो दो तीन तीन है ना उनसे पूछ के देखना जो दो है वो कहीं ना कहीं होता रहता है ना बच्चों, आकृति फॉर एग्जाम्पल तू तेरे पास कोई चीज और तेरे ब्रदर के पास नहीं है क्या वो रहेगा चुपचाप बैठा रहेगा, बता बच्चा नहीं बैठेगा ना वो कभी भी, बता और तेरे पास नहीं है उसके पास है और तू बैठी रहेगी चुपचाप, कभी ना कभी तो तू भी मम्मी के कानों में जाके कही देगी मुझे तो दिलाते नहीं उसको दिला देते हो, ये एक्सपेक्टेशन का गेम है बच्चों, यही डिविडेंड का गेम है, कहता अगर डिविडेंड अगर अगर कंपनीज फाइनेंस मैनेजर ये सोच लेना कि मुझे आर और ऑब्वियस है केई बराबर है तो कहता फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कहता ऑलवेज मार्केट में वही रहोगे, कहता इसीलिए तो तुम्हारी अजम्पशन प्रूव हो रही है, कहता हमारी वैल्यू ऑफ फर्म वही रहेगी, जितना मर्जी डिविडेंड दे दो वही रिटेन अर्निंग आनी है वही सब कुछ आना है, बट भाई ऐसा नहीं होता, कंपनी आर ग्रेटर रखती है केई से, इक्विटी की रिटर्न से ज्यादा रख के चलती है आर, तभी तो वो थोड़ा बहुत मार्केट प्राइस बढ़ा पाती है और अपने आप को चेंज कर पाती है, फिर तो इस तरह से तो बच्चों मूव ऑन हो ही नहीं सकती, ग्रोथ आ ही नहीं सकती, ग्रोइंग फर्म कैसे काम करेगी, मेच्योर फर्म कैसे काम करेगी, फिर तो मार्केट के अंदर सब कुछ ही भाई फिर बैलेंस ही है, फिर क्या जरूरत है मार्केट के अंदर ज्यादा दिमाग लगाने की, ये मोड की लानी तो जो अप्रोच की बात करता है उस हिसाब से तो बच्चों मार्केट में कभी कुछ था ही नहीं, ऐसा नहीं होता, मार्केट में बहुत कुछ होता है, आर 30% होता है तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी 20% होती है, अगर कॉस्ट ऑफ इक्विटी 10-15% में वेरी करवाते हैं ये तो आर 20% होता है, 5% का मार्जिन वो लेके चलते हैं कि कभी अगर डिविडेंड ना दिया गया या कभी कुछ भी चीज हुई या कभी कोविड जैसी सिचुएशंस भी आई तो वो पैसा सेव करके रखते हैं, वो पैसा सेव क्या करते हैं वो उसी तरह से वो थोड़ा रिटेन करते चले जाते हैं, मार्केट प्राइस बढ़ाते चले जाते हैं कंपनी का, मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ाते हैं वो कंपनी की, ताकि मार्केट प्राइस बढ़ता है तो मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बढ़ाते हैं, इसके हिसाब से तो वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ी नहीं रही, उनके हिसाब से तो वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ती है और आज की डेट में हर कंपनी अपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन पे फोकस कर रही है। हाँ जी अरम जी क्लियर हो गया अब, हाँ जी बोलो बताओ, आ जाओ अब दो थ्योरीज और हैं ट्रेडिशनल और लेटर मॉडल, बताओ भी ये तो अब अकेला ही इकलौता ही इरेलीवेंस था, वो रेलिवेंस स्कूल ऑफ थॉट से आते हैं, वो रेलिवेंस स्कूल ऑफ थॉट से आते हैं, इरेलीवेंस में तो ये अकेला ही था, देखो मैं दिखा देता हूँ ये बंदा अकेला ही टिका हुआ है इरेलीवेंस स्कूल ऑफ थॉट में, ये देखो मिल गया MM, पर रेलिवेंस स्कूल ऑफ थॉट में वॉल्टर गॉर्डन्स और वॉल्टर और गॉर्डन्स में आपको बताई दिया, गॉर्डन्स को ग्रोथ मॉडल भी बोला जाता है, वॉल्टर आपने देख ली, अब दो और हैं, एक है ट्रेडिशनल और एक है लिंटर मॉडल, ये ट्रेडिशनल और लिंटर बच्चों नीचे दिया हुआ आईसीए ने, देखो ऊपर तो दिया नहीं हुआ, मुझे भी ऐसे ही लगा था कि ये तीन ही होंगी बट नहीं ये तीन नहीं है बच्चों कभी भी, वॉल्टर खत्म होगा उसके बाद स्टार्ट, वॉल्टर नहीं गॉर्डन्स खत्म होगा उसके बाद स्टार्ट है, पर सिर्फ समझाया नहीं हुआ आईसीआई ने उसके बारे में कुछ खास, बस जस्ट आईसीआई ने उसको लिख के छोड़ा हुआ है,
तो हम भी उतना ही करेंगे जितना है, हम उसको फालतू के चक्कर में खींचेंगे नहीं। क्वेश्चंस भी बच्चों वॉल्टर और गॉर्डन से ही दे रहा है, मैंने लास्ट आपको, आपके पास स्कैनर है आप चेक कर लेना, वो वॉल्टर और गॉर्डन से ही दे रहा है सारे क्वेश्चन। आज तक बच्चों अभी तक इसमें से क्वेश्चन नहीं दिया। मिल गया भाई, ट्रेडिशनल मिल गई, जिसे ग्राम डॉट मॉडल भी कहा जाता है, मिल गई ट्रेडिशनल मॉडल, दिख रहा है भाई आईसीआई के मॉड्यूल में। इस चैप्टर को पहले आईसीआई से करना बहुत जरूरी है, इसलिए जरूर करना। और एक मॉडल और दिया हुआ इसने, वो है आपके पास लिंटर मॉडल। तो दोनों में फॉर्मूले बता देता हूँ, दोनों के क्वेश्चंस भी करा देता हूँ, और एक स्टॉक स्प्लिट छोटा सा क्वेश्चन है वो भी बता देता हूँ, फिर दैट्स ऑल, चैप्टर इज ओवर। फिर आपका ये चैप्टर ओवर है, फिर हम कल क्वेश्चंस करेंगे इसके, एक दो क्वेश्चंस के अप्रोचेस हमारी बुक में और हैं वो डिस्कस कर लेंगे, थोड़ी सी और चीजें डिस्कस कर लेंगे, फिर दो दिन इसके क्वेश्चन करने पर लगाएंगे। क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी आईसीए में अभी तक आए हैं वो जरूरी करने हैं। आ जाओ, ट्रेडिशनल थ्योरी जिसका नाम और भी दिया हुआ है, आपको अगर पेपर में लिखा है जाए ग्राम डॉट मॉडल, ग्राम एंड डॉट मॉडल, तो वो भी वही है, कहीं सोचो कोई और है। अब ये भी कुछ कुछ, पहली बात है तो ये रेलिवेंट स्कूल ऑफ थॉट से आता है, बट कहता है स्टॉक मार्केट गिव्स मोर इंपॉर्टेंस या मोर वेटेज, कहता है, टू डिविडेंड देन रिटेन्ड अर्निंग्स। कहता है स्टॉक मार्केट जो है ना, कहता है डिविडेंड को ज्यादा वेटेज देती है। स्टॉक मार्केट में डिविडेंड मिलता रहे तो लोग खुश होते रहते हैं, और रिटेन्ड अर्निंग्स पे ज्यादा लोग खुश नहीं होते, कहता ये इसकी सोच है। क्योंकि कहता कंपनीज में क्या होता है कि जो डिविडेंड मिल गया वो कहते हैं वही नहीं, हमारे पास पैसा आ गया तो हम अब किसी भी कंपनी में लगाएं तो अच्छी बात है, हम इससे अपने आप को इन्वेस्टर मानते हैं। वो लोग कहता आपकी रिटेन्ड अर्निंग्स पे ट्रस्ट नहीं करते, तो कहता उसलिए इसने ये मॉडल दिया। तो कहता स्टॉक मार्केट गिव्स मोर इम्पोर्टेंस, तो ये भी उसी चीज पे चल पड़ा। बट कहता है ये जरूर इम्पैक्ट करता है टू डिविडेंड, देन रिटेन्ड अर्निंग्स। मोर इम्पोर्टेंस का मतलब मोर वेटेज, ये नहीं है कि उसको वेटेज नहीं दे रहा, वो उसको वेटेज भी दे रहा है, पर इसको वेटेज ज्यादा दे रहा। तो कहता है इसने फॉर्मूला बनाया प्राइस का, मार्केट प्राइस का, कहता एम इंटू डी प्लस, डी क्या है डिविडेंड, ई बाय थ्री रिटेन्ड अर्निंग्स इक्वल कहा गया, अर्निंग पर शेयर, सॉरी रिटेन्ड अर्निंग अर्निंग पर शेयर। कहता है जितना डिविडेंड दोगे उसी हिसाब से कहता है एम चलता है। एम क्या होता है, मल्टीप्लायर, इक्विटी मल्टीप्लायर। कहता है उसी हिसाब से इक्विटी का मल्टीप्लायर घूमता है, कहता है जितना आप डिविडेंड देते चले जाते हो। पता है ना, हमने बताया था इक्विटी मल्टीप्लायर, एक बार मैंने बताया था ना भाई इक्विटी मल्टीप्लायर। हाँ जी आकृति जी, बताया था क्या होता था बच्चों, डूपोंट एनालिसिस में बताया था कि जितना इक्विटी मल्टीप्लायर होता है उसी हिसाब से आप घूमते चले जाते हो, जितनी आप इक्विटी को घुमा रहे होते हो। यस और नो, याद आया कुछ हद तक? कहता वी वेयर पी क्या है, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, डी क्या है डिविडेंड पर शेयर, ई क्या है अर्निंग पर शेयर। करके दिखाता हूँ क्वेश्चन, दिखते हो बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन डाला हुआ है, ना ही कोई खास वो है। एम क्या है मल्टीप्लायर, अभी तक तो बच्चों दिया भी नहीं पेपर में, देखो कैसे होता है। क्वेश्चन दिखाता हूँ, एम डी प्लस ई बाय थ्री। कहते हैं ज्यादा वेटेज सिर्फ डिविडेंड को दी जाती है, देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। देखो कहते ये रहा अर्निंग है 30 रुपीज, कहता है डिविडेंड दे रहा हूँ 60%, तो इसका मतलब डी तो हो गया 18, मल्टीप्लायर है कहते दुगना, मल्टीप्लायर इक्विटी मल्टीप्लायर है मार्केट में, मैं बता दिया आपको जिस हिसाब से आपके मार्केट चल रही होगी उस हिसाब से आपका मल्टीप्लायर चलता रहेगा, तो इसलिए मल्टीप्लायर दिया होगा क्वेश्चन में, आपको सोचने की जरूरत नहीं। टू, अब अर्निंग कितनी थी, 30 30 बाय 3, कहता 30 बाय 3 की वेटेज है, कहता बस मतलब अर्निंग की आपकी 3 की वेटेज लेके चल रहा है, वो एक फॉर्मूला फिक्स ही कर दिया कि मतलब अर्निंग की इतनी वेटेज रहेगी, तो 30 बाय 3 10, 18 आपने डिविडेंड दिया, कहता ऑब्वियस उसका दुगना आपका मार्केट प्राइस बनता जाएगा।
56 का था आपका मार्केट प्राइस होगा। मिल गया बच्चों? हाँ जी, इजी है ये तो, इजी कहेगा फटाफट। कहता ज्यादा ज्यादा फंडा है ही नहीं, कहता जो अर्निंग होती है उसका 1/3 पक्का मान लिया हमने, तो 1/3 आपका जुड़ जाता है, सीधी सी बात है, आप हमें परेशान ना किया करो। कहता और जो डिविडेंड देते हो वो होता है, और जो मल्टीप्लायर बता रखा होता है मल्टीप्लाई करो ना। कहता यार तुम्हारे इतने फॉर्मुले कौन करे। कहता सीधा सीधी सी बात है, इक्विटी मल्टीप्लायर से चलाते रहो ना, क्यों दिक्कत में फंसते हो, जब पता है मल्टीप्लायर दिया होता है मार्केट के अंदर। कहता मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई मारते रहो, और जो भी कहा होगा कि मार्केट में आपने जितना डिविडेंड दिया उतना तो आपका मार्केट प्राइस बनेगा ही बनेगा, प्लस कहता अर्निंग जो हुई है उसका 1/3 बन जाता है। उसका क्या बन जाता है आकृति? 1/3। कहता इसने वेटेज ही सीधी डिविडेंड को दे मारी। कहता ये तो सोचता ही नहीं ज्यादा, डिविडेंड को ले लिया, अर्निंग का 1/3 ले लिया। कहता अर्निंग वेटेज नहीं होती क्योंकि उसमें से ही डिविडेंड दिया जाना है, तो इसलिए नेचुरल सी बात है अर्निंग वेटेज नहीं होती। हाँ जी आकृति जी, क्लियर? हाँ जी सर। बिल्कुल सिंपल है बच्चों, समझ में आ गया अच्छी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कहता मार्केट प्राइस दे रखा है 58, कहता ठीक है जी, डिविडेंड भी बता रखा है, मल्टीप्लायर भी बता रखा है, अर्निंग निकाल सकते हो, यस निकाल सकते हो। बताओ भाई ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, बताओ इसको सॉल्व कर लोगे? 5, 7, बताओ भी कितना आएगा अर्निंग पर शेयर? 10 आ जाएगा। कहता बिल्कुल सिंपल है ये दोनों, ये इतना बढ़िया फॉर्मूला है ना, ये जब पेपर में आ जाए तो देख के खुश हो जाना। कम से कम दो क्वेश्चन तो ऐसे हैं जिनसे बिल्कुल आसान आते हैं, एक क्वेश्चन तो। हाँ भी मुश्किल है ना? मैं सर बिल्कुल टेंशन नहीं है इसमें। हाँ निकल जाएगा, कुछ भी नहीं है इसका मतलब, जस्ट इसने सिंपल फॉर्मूला पकड़ा है। ये कहता तुम डिविडेंड पॉलिसी में उलझते रहते हो यार, पागल करके रखा हुआ तुमने, मल्टीप्लायर को पकड़ो ना, डिविडेंड जितना दे रहे हो वो दे दो, प्लस अर्निंग बाकी 1/3, ज्यादा फंडा ही नहीं। इसलिए इसको मैं उसको खोल के भी क्या दिखाऊं, इस फॉर्मूले को बनाऊंगा भी कहां से, जब लिया इसने अर्निंग को लिया और मल्टीप्लायर को लिया, सीधी सीधी सी कहानी, इसको मैं ज्यादा खींच भी नहीं सकता बच्चों। आ जाओ नेक्स्ट, एक और लिंटर, वो भी इसका भाई था, उसने भी कहा ज्यादा टेंशन मत लो। लिंटर मॉडल करा इसलिए रहा हूं क्योंकि जरूरी है बच्चों, पेपर में कभी तो टपकेंगे। जरूरी नहीं है कि हर बार वो वॉल्टर और गॉर्डन ही देता रहे, अभी तक तो वो वॉल्टर गॉर्डन और एमएम के पीछे ही पड़ा हुआ। आ जाइए, तो कहता है इसमें डिविडेंड कैसे दिया जाता है? डिविडेंड जो है D1 है जैसे, कहता ये भी ऐसा ही है। कहता ये देखता है टारगेट पे आउट रेशो, जितना आप टारगेट पे आउट कर रहे हो, जितना आपने टारगेट किया वो भी मेरे को इतना पे करना है, और स्प्रेड एट विच विच करंट डिविडेंड एडजस्टेड टू द टारगेट, जितना आप दे पाए एडजस्ट कर पाए उसको टू द टारगेट, जितना स्प्रेड कर पाए। कहते ये भी वही तरीके पे चला है, बस यहाँ पर एडजस्टमेंट फैक्टर आ जाएगा बच्चों, एक मल्टीप्लायर की जगह ये एक नया नाम पकड़ रहा है एडजस्टमेंट फैक्टर। कहते जितना आपका एडजस्टमेंट फैक्टर चलता है मार्केट के अंदर, वो भी दिया होगा क्वेश्चन में, आपको सोचने की जरूरत ही नहीं। कहता D1 हमेशा कैसे निकलेगा? D0 प्लस EPS अर्निंग पर शेयर इनटू टारगेट पे आउट रेशो, जितना हमने टारगेट किया पे आउट करने का, माइनस D0। वो कहता आपका बने बचेगा ही बचेगा, सीधी सी बात है, उसको एडजस्टमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। कहता बस, कहता क्यों परेशान होते हो? मान लो मेरी अर्निंग आई 10 रुपए, मैंने 60 रुपए 60% पे आउट करने का सोचा, तो अर्निंग का 6 और जितना मैंने लास्ट ईयर डिविडेंड दिया था उसमें से मैं माइनस कर लूंगा इनटू एडजस्टमेंट फैक्टर, सीधा सीधा वो मेरी ऑब्वियस डिविडेंड बन जाएगा। तो ये भी बिल्कुल आसान था, इसने भी अपने आप को इसी तरीके से रख लिया, वेयर D1 डिविडेंड इन द ईयर 1, D0 क्या है करंट डिविडेंड जो ऑब्वियस दिया था अभी, EPS अर्निंग पर शेयर और एडजस्टमेंट फैक्टर आपको दिया ही होगा, AF कह सकते हो इसको वैसे। इसकी थ्योरी समझाता हूँ पर पहले एक बार ये देख लो क्वेश्चन, क्वेश्चन देख के तुम्हें तसल्ली हो जाएगी, कहोगे बिल्कुल आसान है सर। इसका नाम क्या है सर? लिंटर मॉडल। कहता ये देखो, कहता मेरा डिविडेंड था 9 रुपए 80 पैसे लास्ट ईयर का, स्पीड ऑफ एडजस्टमेंट 45% है, टारगेट पे आउट रेशो मेरी कितनी है 60, स्पीड ऑफ एडजस्टमेंट, स्पीड ऑफ एडजस्टमेंट का मतलब क्या हुआ? कृति एडजस्टमेंट फैक्टर, देख रहा है
ईपीएस है 20, तो 20 का टारगेट पे आउट कितना है मेरा, और वैसे 60% 12 रुपए, 980 में पहले दे रहा था, 980 तो मेरा डिविडेंड है ही है, उसका जितना फर्क पड़ा स्पीड ऑफ एडजस्टमेंट से मल्टीप्लाई करते, बस यही कहता है इंटर मॉडल। इजी है बच्चों? हाँ जी, मिला बताओ भी, मुश्किल लगा? कहते सिंपल है, 9 रुपए 80 पैसे, 10 स्पीड ऑफ एडजस्टमेंट 45% है, टारगेट पे आउट 60% है, ईपीएस कितना 20, 20 का 60% कितना होगा 12, उसका ऑब्वियस है जो आपने डिविडेंड दिया था पहले उसमें से माइनस कर लो एडजस्टमेंट फैक्टर जो दिया होगा मल्टीप्लाई। बोलो समझ में आ रहा है? बट अब इसकी कुछ क्रिटिज्म है और इसकी कुछ मेन पॉइंट्स है। कहता है लिंटर मॉडल सिर्फ एक ही चीज देखता है, टारगेट पे आउट रेशियो और स्प्रेड एट विच द डिविडेंड टू बी एडजस्टेड। पर कहता है ये जो सीरीज ऑफ इंटरव्यू है ना विच कंडक्टेड द कॉर्पोरेट मैनेजर इन द माइंड ऑफ 50s में चलता था, पहली बात तो अब तो चलता नहीं। व्हाइल डेवलपिंग द मॉडल ही कंसीडर द फॉलोइंग असम्पशन, ये मान के चलते हैं कि फर्म हैज ए लॉन्ग टर्म डिविडेंड पे आउट रेशियो, मेंटेन ए फिक्स्ड डिविडेंड पे आउट द लॉन्ग टर्म। आजकल वो चीज नहीं है, मैच्योर कंपनी स्टेबल अर्निंग विल हैव हाई डिविडेंड पे आउट और ग्रोथ कंपनी यूजुअली लो पे आउट करती है। मैनेजर्स आर कंसर्न्ड विद द चेंज डिविडेंड द एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ डिविडेंड। कहता है मैनेजर अगर डिसाइड टू पे ए डिविडेंड ऑफ 2 रुपीज इन लास्ट ईयर, कहता है बट इट वॉज टू लास्ट टू था बट पेइंग 3 इन द लास्ट ईयर डिविडेंड वॉज 2 इज इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन। कहता है ये चीज मानने वाली है। लेंटर कहता है भाई पिछले साल 2 दिया था, इस साल 3 नहीं दे दोगे? कहता है 1 रुपए सीधे नहीं बढ़ जाओगे कहता तुम तो। कहता है लास्ट ईयर का डिसीजन तो तुम्हारे काम आएगा, कहता है इसलिए D0 को आप कंसिडर करो ना। कहता है D1 निकालते वक्त आप D0 को कंसिडर ही नहीं करते, तो लेंटर कहता है भाई अफेक्ट करता है। कहता है माइंड सेट होता है बंदे का, कहता है कितना एडजस्टमेंट कर सकता है वो बंदा, उससे ज्यादा नहीं करेगा, कहता उससे बढ़कर नहीं जाता। क्या कृति, लास्ट ईयर आपके पापा आपको 20,000 की पर मंथ खर्ची देते थे, क्या इस साल 30,000 देने शुरू कर देंगे? सिंपल सी बात का आंसर देना, कर देंगे आराम नहीं करेंगे ना, बता भी आराम कर देंगे? बोलो नहीं करेंगे, कहेंगे तेरी ऐसी की तैसी 20 के तू 30 मांग रहा है सीधे, उल्टा 2-4 बातें सुनाएंगे फिर घर से बाहर निकालेंगे तुम क्या दिया करेंगे, देंगे ना? लड़कों को तो देते रहते ना आराम, चल जा अपना जॉब कर कहीं भी रह, हमें हम इनसे फालतू पैसे ना मांगा कर, ऐसे ही होता है बच्चे। लड़कों को धमकियां मिलती रहती हैं, लड़कियों को तो नहीं कुछ कहते, लड़कों को तो धमकियां रोज दे देते हैं। तो अब वो 20 के अगर 25,000 हो गए तो सोचो 25 नहीं हो सकते। कहता इसीलिए कहता एक डिविडेंड 2 रुपए फाइनेंशियल मैनेजर दे रहा है, कहता ये तो चला आ रहा है ट्रेंड, क्या एकदम 3 रुपए देने लग जाएगा? तो लिंटर कहता है इसलिए कहता D0 को कंपेयर करो D1 से, तो इसीलिए इसने फॉर्मूले में D0 भी लिया और D1 भी लिया। अब समझ में आई? तो कहता है लास्ट ईयर जितना आप ईपीएस कर रहे हो ना टारगेट पे आउट रेशो का, उसके एडजस्टमेंट फैक्टर के हिसाब से आप बढ़ पाओगे D1 में। ये नहीं है कि लास्ट ईयर से 2 रुपए थे आप एकदम 3 रुपए पहुंच पाओगे। अब समझ आई बात? ये कहता है ये लॉन्ग रन सस्टेनेबल पॉलिसी भी है। कहता है मैनेजर्स आर रिलक्टेंट होते हैं एकदम इफेक्ट चेंज इन द डिविडेंड पॉलिसी, इतनी आसानी से नहीं बदलते। कहता है दे आर रिवर्स्ड, कहता है वो आसानी से नहीं बदलते, सच है। रिलक्टेंट होते हैं, रिवर्स्ड होते हैं, पापा रिवर्स्ड होते हैं नहीं होते हैं? तो अभी रिलक्टेंट होते हैं कि नहीं होते हैं? बोलो भाई, होते हैं। मम्मियां तो ज्यादा होती हैं, पापा तो फिर भी मान जाते हैं आसानी से, यस और नो? होती हैं मम्मियां ज्यादा? हाँ जी सर। मम्मियां तो ज्यादा जान निकाल लेती हैं हमारी, कई बार तो फ्री में जान निकालने बैठी होती हैं, कई बार तो हमें समझ नहीं आ रहा होता ये किस बात पे इश्यू बना रही है हमारे, कई बार तो ये भी समझना मुश्किल हो जाता है उनको। पर जबकि पापा को समझाना आसान है, आप जाके पापा को तो ये बोल कि अरे मैं एक चीज लेके आया हूँ 800 की थी, अब 1200 की मिली है, मार्केट में महंगी होगी, पापा क्या कहेंगे? ठीक है चल रखते कोई बात नहीं। मम्मी क्या पूछेंगी 400 कैसे फालतू लग गए, यस और नो? पूछेंगी ना आराम? पहले बात ये पूछ के बैठ जाएंगी, कहेंगी 400 लगी थी, या तो तेरी जेब में होंगे या तो तू रख के बैठा होगा, मतलब ये एकदम शक की सुई अपने ऊपर ला देंगी हमारे ऊपर। भाई इतनी जल्दी शक की सुई ला दी तुमने, अपने बेटे को चोर समझ लिया क्या इतनी जल्दी? दैट्स द रीजन, क्योंकि कहता मैनेजर्स भी रिलक्टेंट होते हैं। कहता वही सेम चीज मैनेजर्स के अंदर होती है। कहता 2 रुपए से 3 रुपए देते वक्त जान निकल जाती है उनकी, पहले 2 रुपए डिविडेंड दे रहे हैं, 3 देंगे तो कई लाख शेयर होल्डर है बच्चों, उनकी जान निकली होती है। तो कहते ये चीज आप मान के चलो। कहता D0 थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, ईपीएस जो टारगेट पे आउट रेशियो है उसमें से D0 पिछले वाला है। कहता जितना आप एडजस्टमेंट कर सकते हो एडजस्टमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई मारो, लेंटर मॉडल कहता है ये डिविडेंड पॉलिसी है। कहता प्रशांत मत किया करो वाल्टर गॉर्डन और ये सब चीजें पढ़ा के। चले भाई आप समझ में आ गए अच्छी तरह से? बताओ अभी क्लियर हुआ? हाँ जी आकृति जी क्लियर हुआ? पर कहता है ये मार्केट प्राइस नहीं निकालता, ये सिर्फ D1 निकालता है, मार्केट प्राइस इसमें निकलता ही नहीं। अब बात आती है एक कंसेप्ट है स्टॉक स्प्लिट, छोटा सा ये इतना सही है पढ़ा देता हूँ साथ के साथ, इंपॉर्टेंट है मार्क कर लेना स्टॉक स्प्लिट क्या होता है। कहता है स्टॉक स्प्लिट क्या होता है, कई बार क्या होता है कंपनीज ना कहता है बड़ा महंगा शेयर मार्केट में निकाल देती है, जैसे एक शेयर 500 रुपए का निकालती है। अब कहता कंपनी को 500 रुपए का शेयर बेचना इतना आसान नहीं होता, मार्केट में 500 रुपए का शेयर बेचेंगी तो सब्सक्राइब कौन करेगा, इतनी आसानी से कोई लेगा नहीं। कहता है फिर उनको समझ में आता है कि अब हमने बहुत महंगे शेयर मार्केट में निकाल रखे हैं, तो वो कहता है ठीक है फिर क्या कर देते हैं, इसको स्प्लिट कर देते हैं।
सौ सौ के 5 शेयर कर दो ना, ठीक है, लोग भी ले लेंगे आसानी से। कंपनीज भी करती है बच्चों, मार्केट में कोई प्रोडक्ट है 500 रुपए का है, उसके अगर सेशन निकाल दो 100-100 रुपए के तो लोग ले लेंगे, या उसकी छोटी बॉटल निकाल दो तो लोग ले लेंगे। बट कहता है एकदम 500 रुपए कौन खर्चने के लिए रेडी होगा। ऐसे ही कहता है शेयर के साथ भी होता है, कहता है कई बार इतना महंगा हो जाता है टू रेगुलेट द प्राइसेस, तो कंपनी कहता है बियॉन्ड द लिमिट जा चुका होता है, ट्रेडेबल नहीं हो पा रहा होता, तो कंपनी ने क्या करती है उसको 85 रुपए में, या मतलब जो छोटे छोटे ओवर द ईयर्स उसको मारती चली जाती है, उसको कहते हैं स्टॉक स्प्लिट। अफोर्डेबल बन जाते हैं, स्मॉल इन्वेस्टर भी आ जाता है, 10-5 शेयर खरीदने वाला भी, जब सस्ते होते हैं तो 10-5 शेयर खरीदने वाला भी आ जाता है। अब मान लीजिए मेरे को एक बात का आंसर, दो रिलायंस का शेयर 5000 में मूव कर रहा है, आकृति मेरे को लेना होगा, मैं 10 शेयर लूंगा 50,000 के होंगे ना, बता बच्चे। पर अगर मेरे पास 50,000 हो ही नहीं इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो मैं कहाँ से ले लूंगा रिलायंस का शेयर। बट अगर अरब 500 का शेयर कर दिया जाए रिलायंस का, अर्निंग चाहे उसी हिसाब से हो जाए स्प्लिट कर दिया जाए, तो मैं ले लूंगा कि नहीं ले लूंगा भाई, तो ले लूंगा 5,000 रुपये होंगे, 10 शेयर लेके बैठ जाऊंगा, चल भी कोई बात नहीं, खुशी मनाऊंगा मेरे स्टॉक में मेरे पास रिलायंस के शेयर से। ये चीज होती है बच्चों, कहते हैं ये चीज मार्केट में करनी पड़ती है स्मॉल इन्वेस्टर के लिए। तो कहते हैं कई बार नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज करने पड़ते हैं शेयर होल्डर को, ताकि एडिशनल एक्सपेंडिचर टू भी इनकट, तो कहता है स्प्लिट करना कौन सा आसान है, एडिशनल एक्सपेंडिचर करो, शेयर सर्टिफिकेट तैयार करो, फिर उनकी डिटेल्स तैयार करो, बहुत पंगे कहते हैं। और लो शेयर में अट्रैक्ट द स्पेकुलेटर्स, कहता है स्पेकुलेटर ज्यादा आते हैं, बस ये पंगा है। तो छोटा इन्वेस्टर ज्यादा कहता है स्पेकुलेटरी होता है, 5,000 रुपये वाला खरीदने वाला कहता है हैसियत भी रखता, भागता भी नहीं जल्दी से, और कहते हैं जो छोटे छोटे होते हैं रोज फिर दुखी भी ज्यादा करते हैं। मिल गया समझ में, आज लगा लिया, आज खरीद लिया, कल बेच लिया, वो रोज दो दो शेयर के साथ खेलते रहते, टाइम पास करते रहते। तो कहता है ऐसे मार्केट में करोड़ों शेयर बंदे होते हैं, तो कहता है नाश मारते रहते मार्केट को, तो कहता है ये दिक्कत है बस। तो क्लियर हो गया सबको स्टॉक स्प्लिट? हाँ भी, अब इसका थ्योरी का पार्ट भी मैंने आज क्लियर कर दिया आपके साथ, आज आपका काम यही है सारे क्वेश्चन करके आओ इसके, जो बुक के हैं सिर्फ, फिर हम अपनी बुक के करेंगे, ठीक है जी। स्टॉक स्प्लिट तो सिर्फ नॉर्मल भी हुआ है तो, हाँ, इसका डिविडेंड से कोई लेना देना नहीं, ये तो एक टॉपिक डाला हुआ है, डिविडेंड से कोई लेना था नहीं, डिविडेंड थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट है सर। हाँ जी, थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट है, डाला हुआ है इन्होंने, मैंने यहाँ डाल दिया आपके सामने, समझा दिया, ठीक है जी, ठीक, चलो दैट्स ऑल फॉर टुडे।